हम अपना आ, हम अपना सौभाग्य कहेंगे कि आप सबों के साथ सहभागिता का प्रतिभागिता का एक बड़ा अच्छा अवसर मिला और हम इसके लिए अपना अहोभाग्य समझते हैं अभी सभी को हम सुन रहे थे दैट वाज रियली वंडरफुल द वे ऑल ऑफ यू स्पोक दैट वाज रियली वंडरफुल दैट इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन तो बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से मेरी ओर से यानी मैं अजीत और और मैं विमलेश हम लोग की ओर से आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार आ, मुस्कुराइए क्योंकि आप सीआई टी एन सी आई टी के ऑडियो स्टूडियो में इस समय <laughs> uh, right तो बहुत, बहुत धन्यवाद करता हूँ uh, yes. uh, कहानियों से आरंभ करना अच्छा होता है क्योंकि कहानियों से हमारा बचपन भी जुड़ा हुआ है नोट uh, किया है हम लोगों ने uh, अक्सर जब हम लो, लोगों से बातचीत करते हैं तो इट इज अर ऑब्जर्वेशन भीड़ है लोग सुन रहे हैं सब कुछ है बहुत बढ़िया है ज्ञान की बात चल रही है मुंह से ज्ञान की सरिता बह रही लेकिन लोग इधर उधर देख सकते हैं लेकिन जब कहते हैं कहानी से आरंभ करेंगे लोगों की आंख इस प्रकार से उड़ जाती है yes. क्योंकि बचपन से हम कहानियों से जुड़े हुए हैं और जो सबसे अच्छा तरीका है बेसिकली वो है कि हम दृष्टांतों में बात करें एन आर वेरी इंपॉर्टेंट तो एक रिक्वेस्ट और, और उसके बाद हम आज के सेशन में आएंगे डायरेक्टली प्राची जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच हाँ प्राची जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद तो एक रिक्वेस्ट है कि यूजुअली अगर कोई खेल खेलते हैं तो दोनों पार्टीज खेले तब मजा आता है है ना ए? दोनों पार्टीज जब खेले तब मजा आता बिल्ण है, बिल्ण है। और हाँ और अब ये नहीं कि हम बोल रहे हैं लेकिन आपकी ओर से एक एक्टिव और आपका पैसिव होता है दो शब्द होते हैं अकर्मक और सकर्मक तो बढ़िया है कि हम सबको सकर्मक रहे आप उसे बातचीत करें क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत बड़ी भीड़ चली आ रही है ओके okay? यानी स्टेडियम के अंदर रोड में हम देखते हैं कई बार जब जब आपका फुटबॉल मैच होता है या कोई मैच होता है तो बहुत लोग जा रहे होते हैं आप यदि पूछेंगे भीड़ से कि कहा जा रहे हैं तो वो बोलेंगे मैच देखने जा अच्छा। रहे हैं लेकिन ओनली फ्यू हैं जो कि खिलाड़ी हैं उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे मैच खेलने जा रहे हैं बेसिकली हम खेल रहे हैं आपस में खेल रहे हैं आपस में हम बातचीत कर रहे हैं वी आर रिएक्टिंग टू ईच अदर एक कहानी की ओर जाऊंगा अभी मैंने विमलेश जी से पूछा कौन सी कहानी शेयर करूं तो और एक कहानी ऐसी शायद बीस तीस बार तो बोली होगी लेकिन अगर ये नया बैच है तो इस समय आप लोगों से एक रेस्पॉन्स चाहिए आपने हेनरी फोर्ड की कहानी सुनी है क्या अगर आ, आ, अगर आपने सुनी है यानी हमारी ओर से ऐसे कुछ ना कुछ तो सुना, ना होगा, सुना होगा लेकिन किसी सेशन में सुना है क्या अगर नहीं सुना है अच्छा नो नो का उत्तर है राइट तो वी कैन शेयर विद स्टोरी और दोस्तों इस समय ये बोलना चाहता हूँ दिस स्टोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू यू ये आपसे कनेक्टेड है हम लोग को पूरा दे दो Uh, तो ये आपसे डायरेक्टली ये कनेक्टेड है uh, आप सभी गुरुजनों को सभी विद्वत जनों को एक बार फिर से हमारा प्रणाम वंदन करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तो लेट एस गो टू द स्टोरी वेरी क्विकली नाउ एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू वन ऑफ द वंडरफुल इंसिडेंट्स दैट है विस्कॉन्सिन विस्कॉन्सिन एक नाम है uh, कुछ लोगों के बड़ा नया सा लग रहा होगा लेकिन ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है और वहां पर एक शहर है और वहां पर एक बात है एक हाईवे था बहुत बड़ा हाईवे और गाड़िया बड़ी गति के साथ वहां पर चल रही थी सब कुछ हो रहा था एक मोटरिस्ट था एंड ही ड्राइविंग वो कहीं जा रहा था ड्राइव करते करते अचानक उसको लगा कार की इंजन में कुछ गड़बड़ी है एक बार फिर से बोलूंगा कि इस यानी कहानी का संदर्भ सीधा आप, आप लोगों से है क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं आ, तो अपने कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा तो ही बस ड्राइविंग हिज कार और अचानक उसको लगा कुछ गड़बड़ है गाड़ियों से साइड में रोकी और साइड में रोकी और गाड़ी जब इंजन स्टॉप करके उसे चेक करने की कोशिश की कुछ समझ में नहीं आया लेकिन जब दोबारा स्टार्ट किया इंजन स्टार्ट नहीं हुआ जी. कार खराब हो गई mm. दोस्तों अचानक फिर क्या हुआ कि बहुत लोग आकर के रुके बहुत लोगों ने आकर के मदद की पेशकश की बहुत लोगों ने कहा कि वट कैन वी डू फॉर यू मोस्ट ऑफ देम द मैकेनिकल इंजीनियर्स सम समेर वेरी एक्सपीरियंस मॉडलिस्ट है ना mm. बहुत लोग थे बहुत लोगों ने दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू हेल्प बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग कुछ हुआ नहीं सब कुछ किया लेकिन कार स्टार्ट, नहीं। कार स्टार्ट स्टार्ट नहीं नहीं हुई हुई अभी बहुत, uh, 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 बहुत ज्यादा घबरा गया मैं क्या करूं शैल आई गो ऐसी परिस्थिति में कहा जाऊं कोई मदद करने वाला है नहीं कार स्टार्ट हुई नहीं और रास्ते में मैं अकेला खड़ा बेबस बेबस इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे हम सबों का संबंध है इसे इस बात को बोल रहा हूँ बेबस वहां पर वो खड़ा था अचानक उसे देखा कि कोई एक कार आकर के रुकी और एक बुजुर्ग आदमी एक बुजुर्ग आदमी तो हाथ में छाता कार रुकी और वो यू यू करके आया और आकर के काफी बुजुर्ग उसने पूछा व्हाट हैपेंड ऑब्वियसली अगर मैं दिन भर परेशान हूं आपका विमलेश जी अगर मैं दिन भर परेशान हूं कोई आके बोलेगा क्या हो गया तो क्या होगा

अगर सबका यदि गुड गुड वी कैन सी द रिस्पॉन्स वन टू थ्री बोलना है चुटकी बजानी है राइट यू करेंगे uh, one, two, three, मैं बोलूंगा आपको चुटकी बजानी है हाँ और एक बार वन टू थ्री बस uh, कितना टाइम लगा होगा बिलोज हार्डली वन सेकेंड से वन सेकंड वन सेकंड से ज्यादा यहाँ पर समय नहीं लगा वन टू थ्री वन टू थ्री के अंदर उसने बोनेट उठाया कुछ तारों को उसने टटोला आ, करके उसने कॉन्फिडेंस से कहा yes. जैसे उसने, तो, उसने तो आश्चर्य उसको हुआ और बिल्कुल वो तो मान लीजिए कि अभी आप ही है तो मैं आपको बोलूंगा सर आप तो अद्भुत है है ना क्या ऐसा कर दिया आपने बहुत लोगों ने ट्राई किया बहुत लोगों ने सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ क्या ऐसा कमाल है आपके हाथ में हु आर यू अपना अगर आप अपना विजिटिंग कार्ड दे, दे दें तो बड़ा अच्छा रहेगा सो देट आई कैन कम टू योर हाउस समडे टू से थैंक यू तो वो बुजुर्ग मुस्कुराता रहा और अब इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का uh, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग लिख सकते हैं नहीं लग रहा है तो अभी लिख सकते हैं क्योंकि रिएक्शन चाहिए है ना ताकि लगे कि मिलके हम लोग खेल रहे हैं हम मैच देखने नहीं जा रहे हैं हम मैच खेलने आए हुए हैं राइट तो उसने कहा कि आप अपना नाम तो बताइए तो वो मुस्कुराया उसे कहा कि आ, मुझे लोग हेनरी फोर्ड के नाम से जानते हैं मेरा नाम हेनरी फोर्ड है हेनरी फोर्ड और वो समझ गया कि ये अमेरिका की सबसे बड़ी कार कंपनी का ये व्यवसायी है yes. और ये उसका मालिक है और तब और तब उससे पूछा लेकिन सर आपने इतना इजीली कैसे कर लिया उसने कहा बिकॉज आई हैव डिजाइन दिस कार क्योंकि इस कार को मैंने डिजाइन किया इसलिए इसके एक एक तारों का एक एक बातों का मुझको पता है तो एक बात आपसे कहना चाहता हूँ आप लोग टीचर्स हैं जो बात मैं बार बार बोलता हूँ हम लोग बार बार बोलते हैं कि जिंदगी के हाईवे में जिंदगी के हाईवे में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे आपके विद्यार्थी शायद वो भी डिप्रेशन के मारे फेलियर के मारे ब्रोकन फैमिली हो सकती है सो मेनी ट्रेजिडीज में हो सकता है उनके जीवन का वाहन कहीं पर रुका हुआ उस समय आप में से हर एक टीचर का कोई इंतजार कर रहा है कि कोई आ के उनसे मिले और उनके जीवन के उलझे हुए तारों को ठीक कर सके तो आपका ये इस समय कहूंगा आपका और हम लोगों का बिल्कुल इन द मीडिया तो हम लोग का ये हम लोग का ये कर्तव्य है कि आइए चलते हैं एक नई यात्रा को शुरू करते हैं हाईवे में देखते हैं कि कितनी गाड़ियां रुकी हुई हैं कितने बच्चे रुके हुए हैं कितने परिवार टूटे हुए हैं और जा करके कहे कैन आई हेल्प यू तो वो कहेगा बहुत लोगों ने ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं तो कहिएगा उस समय कहिएगा कि एक बार ट्राई करके मैं देखता हूँ उनके तारों को टटोलिएगा और क्योंकि आप गुरु हैं गुरु के होने से बहुत सारी बातें होती गुरु के होने से प्रकाश होता है राइट right? गुरु के होने से आज एक नई बात जो देता हूँ उलझे हुए तार भी सुलझ जाते हैं तो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आइए आज के सेशन को आरंभ करते हैं सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस स्टोरी तो कहानी कैसी लगी आप लोग जरूर बता सकते हैं इफ यू फील इंस्पायर्ड दैट्स वंडरफुल यस वी कैन गेट वी आर गेटिंग योर रेस्पॉन्स राइट और आज के दिन यही कहना चाहता हूं कि लेट अस मूव विद दिस वंडरफुल वेंचर लाइक हेनरी फोर्ड और हेनरी फोर्ड ही सिर्फ नहीं लेकिन मैं कहना चाहता हूं उससे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें से हर एक की है सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर सेशन आज के सेशन की ओर चलेंगे और आज का जो कंटेंट है वी बोथ विल बी शेयरिंग तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं तो श्रोताओं बहुत बहुत तो श्रोताओं आप सबों का नमस्कार मैं हूं आपका दोस्त अजीत और मैं हूं विमलेश और आप इस समय सुन रहे हैं सी आई टी एनसीआर के आई रेडियो के कार्यक्रम उमंग को तो आइए चलते हैं उमंग के कार्यक्रम में उमंग के साथ तो इस समय कहना चाहते हैं बने रहिए है हमारे साथ क्योंकि उमंग भी चलेगा आपके आप साथ, साथ, साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तो आइए चलते हैं आगे और लेटेस्ट गो टू नाउ राइट तो नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों का स्वागत है इस समय Uh, हरेक का uh, हरेक का बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में uh, अगले में चलते हैं स्वागत हो चुका कहानी भी हो चुकी है आगे चलते हैं लेटेस्ट गो टू द नेक्स्ट ऐसे मैं पूछना चाहूंगा अक्सर एक टर्म आता है विमलेश जी और वो आता है ई कंटेंट ई कंटेंट हम किसको कहते हैं अगर मान लिया जैसे कि आज तो उत्तर प्रदेश भी है है ना हल्का सा थोड़ा सा मजाक कर सकते हैं अगर बिहार है तो ऐसा भी मजाक कर कंटेंट <laughs> का होता है कंटेंट बोलो ना जी है ना <laughs> तो स्पेशली uh, आज हम बात करेंगे व्हाट इज ई कंटेंट तो इस समय विमलेश जी से हम इस समय इस बातों में थोड़ा सा प्रकाश जाएंगे राइट यस ई कंटेंट से जो इलेक्ट्रॉनिकली जो हम प्रोड्यूस करते हैं और डिसेमिनेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम दैट इज ई कंटेंट ओके जो हम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जो साथ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस्ड एंड डिसेमिनेशन एंड डिसेमिनेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दैट इज ई कंटेंट अब इस ई कंटेंट में इट कैन बी अ टेक्स्ट इट कैन बी अ इमेज आल्सो इट कैन बी एन ऑडियो इट कैन बी अ वीडियो इट कैन बी इंटरेक्टिव प्रोग्राम इट कैन बी सिमुलेशन Hmm. तो जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो प्रोड्यूस कर रहे हैं डिसमिनेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक दैट दैट इज इज ई ई कंटेंट कंटेंट सर अच्छा e और इसके बारे में एक बहुत अच्छी परिभाषा हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इसको पढ़ा जा सकता है ई कंटेंट कंटेंट एनी इलेक्ट्रॉनिकली एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिजिटल राइट आप ई कंटेंट बोलिए या डिजिटल डिजिटल कंटेंट बोलिए बात एक ही है hmm. और आगे देखते हैं इट इज क्रिएटेड प्रोड्यूस ब्रॉडकास्ट एंड डिसमिनेटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम तो इसको हम ई e कंटेंट कहते हैं तो तो आगे चलते हैं आप सभी इसको जानते होंगे आज हम स्पेशली जो बात करेंगे ई e कंटेंट में वो ऑडियो ई कंटेंट कैसे बनाया जाता है कैसे डेवलप किया जाता है हम उसके बारे में बात करेंगे आ, एक बात और आती है क्योंकि यानी कहानी सुनाना ये सब ठीक है मनोरंजन भी ठीक है लेकिन क्योंकि शिक्षक हैं और हम इस समय देश की सबसे अग्रणी संस्था शैक्षिक संस्था एनसीआरटी के मंच से बातचीत कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल प्रासंगिक होता है कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आज हम बातचीत करें जी, लेकिन एक सवाल है कि ओके राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई इसको आप रेडियो से कैसे कनेक्ट करेंग करेंगे हाउ कैन बी कनेक्ट दिस विथ रेडियो इस समय इसको देखते हैं जी हाँ अगले इसमें चलेंगे जी एनईपी एक्चुअली एनईपी में अभी स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है मैक्सिमम पॉसिबल यूज ऑफ रेडियो अच्छा एनईपी ऐसा कहती है जी सर, जी अभी न्यू एनईपी के अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज मैक्सिमम पॉसिबल यूज ऑफ रेडियो और सर एक बात जो मैं ऐड करना चाहूंगी कि अभी हम अगर रेडियो की बात करें तो वी कैन नॉट सी दैट हमें दिखा दीजिए पूरा होल पूरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए ठीक है तो आ, अगर हम रेडियो सेट्स की बात करें सर हाँ, पुराने टाइम में जो हमारे मैकेनिकल सेट्स होते थे स्पॉट कर दो हाँ, अगर पुराने टाइम में हमारे जो मैकेनिकल सेट्स जो हाँ, होते थे तो वो हमें आजकल नहीं दिखाई देंगे अगर हम मैकेनिकल सेट की बात करें हाँ ये बात तो है जैसे बहुत घरों में जाएंगे तो तो वो दिखता है कभी था। कभी हाँ, था। रेडियो 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 था से दिखता, दिखता है राइट, राइट वर्जन सारे गा दे, देख सकते हैं आप थोड़ा बहुत हाँ। किसी किसी जगह पे आप देख सकते हैं हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा मतलब अगर हम पुराने सेट्स पे कंसीडर करेंगे तो वो आपको नहीं दिखाई देगा लेकिन अगर हम रेडियो की जगह अगर हम ऑडियो को कंसिडर करते हैं अगर हम आज स्पेशली हम ऑडियो के बारे में बात करते हैं तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा ओके अगर हम बात करें कि अपने फोन की बात करें तो हमारे पास हर एक के पास अभी रेडियो है रेडियो है तो अभी फोन में ही रेडियो है में बस ही रेडियो हाँ। है यस तो आ, यही सेम के हमें अपना रेडियो की जो रेडियो की एक्सेसिबिलिटी है वो सबके पास है लेकिन वो जो सेट्स हैं मैकेनिकल सेट्स हैं वो कहीं नहीं दिखाई देते हाँ वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं और इसमें एक बात को देख सकते हैं कि ऑलरेडी आपका न्यूज ऑन एयर है ना अगर आप इसको स्क्रीन में इस समय अगर आप देख सकते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर एक रेडियो का जो इमेज है वो भी दिख रहा है अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको सारे स्टेशन यहाँ पर दिख जाएंगे yes. है ना रेडियो hmm. स्टेशन तो ऐप में भी हम सुन सकते हैं App में भी हम सकते तो शायद कहने का अर्थ ये है कि जब वेन वी टॉक अबाउट रेडियो इनफैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑडियो हम ऑडियो की बात करते जी. हैं जी जी और इसके साथ ही एनईपी में जो अभी मेनली बात फोकस हुई है वो अलग अलग भाषाओं की बात हुई है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ाई की बात हुई है हाँ हा। वो हमारा जो एम है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हम रेडियो के थ्रू पढ़ाई करें मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से जुड़े अच्छा कम्युनिटी रेडियो से क्या मतलब कम्युनिटी रेडियो जो हमारे एक विद इन द रेंज जो हमारी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होते हैं तो एक जो स्पेसिफिक जो ऑडियंस होता है वो उसको कैटर करते हैं और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के थ्रू हम उनकी भाषा में उनको पढ़ा सकते हैं राइट right, राइट right. तो एक जो बहुभाषिकता की जो बात है हाँ. वो करती है वो सजेस्ट करती और एनईपी के लिए हमें रेडियो पे उसके कम्युनिटी रेडियो के थ्रू पॉसिबल है सर कम्युनिटी रेडियो के द्वारा ही संभव है क्योंकि यदि मान लिया कि हम शॉर्ट वेव में जाते हैं जी या मीडियम वेव में जाते हैं तो बहुत बड़ा उसका होता रेडियस होता है रेडियस होता है लेकिन भारत के बारे में बोलते हैं भारत तेरी यही कहानी है ना दो कोस पर बदले पानी सौ कोस पर बानी है ना शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ दो कोस पर बानी दो, दो कोस पर बदले बानी सौ कोस, कोस पर, पर पानी है ना तो जहां पर इतनी है तो एनईपी के में समय हम कह सकते हैं कि दो कोस में भाषा बदल जाती है जैसे जिस स्टेट को मैं बिलोंग करता हूँ अगर मान लिया मुंडारी कहें या सादरी कहें या नगपुरिया कहें तो थोड़ी थोड़ी मतलब दूरी के अंदर बोलने का जो तरीका है जो उच्चारण का जो तरीका है वो भी बदल जाता है तो ऐसे में ऐसा लगता है कि कम्युनिटी रेडियो इज द मोस्ट पावरफुल टूल क्योंकि इसका ऑलमोस्ट कितना इसका रेडियस है इसका हम रेडियस 10 से 15 किलोमीटर मैक्सिमम हाँ 15 किलोमीटर के अंदर हाँ तो फिर ऐसा लगता है कि जो एनईपी जिस बात की जिस बात की चर्चा करती है एक काम और भी इसमें हो सकता है कि जैसे बहुभाषिकता के अंदर यह है कि बहुत सारी जो लोक कथाएं हैं बहुत सारी जो जनजातीय कथाएं हैं उनका संकलन हो वो सारी बातें हो और उसको ध्वनि के द्वारा Yes. हम प्रोड्यूस करें हुँ. आप में से हर कोई जानता है कि ध्वनि के अंदर एक यानी क्रियात्मक शक्ति है बिल्कुल ऑडियो हैज द क्रिएटिव पावर है ना कई शब्दों का हम उच्चारण करते हैं बल्कि थोड़ा डीप में जाएंगे तो सृष्टि की निर्मित ही

क्वेश्चन hmm. क्या रेडियो अलोकप्रिय यहाँ पर तो रोता हुआ दिख रहा है hmm. है ना तो क्या रेडियो अलोकप्रिय है रेडियो के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे मुझको याद है बहुत पहले एक बार जब मैं यही पर था मैं यही पर एनसीआरटी में जब काम कर रहा था तो मैं याद करता बहुत ही उच्च अधिकारी यहाँ के नहीं थे hmm. लेकिन पूछा कि आप क्या करते हैं आज जैसे आपका प्राची जी ने कहा कि मैं यहाँ पर रेडियो प्रोड्यूसर रहा हूँ तो मैं रहा हूँ राइट विमलेश जी भी है जी, तो फिर किसी ने पूछा कि क्या करते हैं आप तो मैंने कहा सर मैं रेडियो प्रोग्राम रहा। रेडियो इसको तो कोई नहीं पूछता अरे सर लेकिन बात वो नहीं तो और अभी भी आज बहुत जगह यदि जाएंगे तो लोग बोलते हैं कि रेडियो का क्या है ये yes. तो उतना पॉपुलर नहीं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर uh, जो मेरा है कि अगर हम सेट्स की बात करें जैसे हमने बात किया तो वो नहीं दिखाई देंगे लेकिन रेडियो की पॉपुलैरिटी की बात करें तो वो अनपॉपुलर बिल्कुल भी नहीं है ऑडियो अगर हम ऑडियो की बात करें हुँ. तो ऑडियो में अगर टेक्नोलॉजी के साथ थोड़े जरूर बदलाव जरूर हुए हैं जैसे की हम ले सकते हैं पॉडकास्ट को ले सकते हैं आज आजकल अभी किसी ने लिखा भी लिखा लिखा पॉडकास्ट लिखा हुआ था तो पॉडकास्ट अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है हमें उसके साथ भी बदलना चाहिए जैसे हम अगर हम रेडियो की बात करें तो हम एफएम चैनल्स Message की box. बात कर सकते हुँ। हैं हुँ। हम आ, रेडियो की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉडकास्ट आल्सो तो यहाँ पे हम एक सेट की ना बात करके वी आर फोकसिंग ऑन ऑडियो हाँ आ, एक बात बड़ी अच्छी यहां पर आ, आ रही है अपने यहां पर ऑलरेडी हमारे एक शिक्षक ने इसको इस समय शामिल कर लिया है कि इन दिनों यदि कार ड्राइव करते हैं हाँ, बिल्कुल तो हम सबसे ज्यादा इन दिनों जो सुनते 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 हैं सुनते हैं हैं वो हम सबसे पहले अगर हम कहें कि हम अपने दिन की जो शुरुआत करते हैं वो एफ एम हाँ, चैनल से शुरुआत हाँ, करते हैं एफ एम चैनल से शुरुआत होती है राइट तो हम चलते फिरते घूमते बहुत सारे मल्टीटास्ककिंग करते हुए काम करते हुए रेडियो को सुन सकते हैं सर हाँ ये बहुत ही इंटरेक्टिव ग्रुप है यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी रेडियो का क्रेज बहुत बढ़ा है गुड गुड हम हाँ, हाँ, लोग सच में खेल रहे हैं ना हम लोग सच में खेल बहुत, रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि रिस्पोंसेस भी साथ-साथ आ रहे हैं तो हाँ, उससे आ, हम भी मतलब साथ-साथ खेल पा रहे हैं हाँ एक बात यहाँ पर और देखते हैं कि अभी हाल में मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि मेट्रोपॉलिटन सिटी या या कॉस्मोपॉलिटन सिटी है ना यहाँ पर 67% हम्म आबादी का जो 67 67% यह प्रतिशत जो हिस्सा है है ना वो अपनी सोच

जो ज्यादा रीच है हाँ? अगर हमें अपने लिसनर्स से लास्ट लिसनर्स तक पहुंचना है हुँ? तो उन्होंने भी जो चूज किया वो रेडियो के माध्यम को चूज किया हाँ? क्योंकि रेडियो के लिए ऐसा माना जाता है कि आफ्टर दी सनरेज जो रेडियो है हाँ, की yes. सूर्य की किरणों के बाद जी सर सबसे ज्यादा yes. uh, अगर वो पृथ्वी को कवर करती है तो वो रेडियो की तरंग है. रेडियो की रेडियो की सनरेज कोटेशन ऑफकोर्स जी हाँ तो हमें अगर लार्जर ऑडियंस तक पहुंचना है अपनी बात लार्जर ऑडियंस तक पहुंचानी है तो दैट इज द बेस्ट मीडियम रीच ऑडियंस तक पहुंचा नहीं जा सका हाँ, तो वहाँ तक पहुंचने oh, के शायद रेडियो से अच्छा टूल कोई और नहीं राइट नहीं right. तो इसके yes. बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे हुँ. अब अब आगे चलते हैं लेटेस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड और इस समय देखते हैं कि और क्या बात यहाँ पर है जी, अगले साइड अगले साइड में हम चलते हैं यहाँ पर हम देखते हैं ऑल ऑफ यू कैन नोट माय डियर फ्रेंड्स एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ्स ऑफ़ द रेडियो एवरी मीडियम हैज़ अ स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस बोथ द थिंग्स आर देयर बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडियो कोई बातचीत हो तो जरूर आप कहेंगे तो रेडियो की स्ट्रेंथ क्या क्या है सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि इट्स मोर इकोनॉमिक मोर इकोनॉमिक यस सर मोर इकोनॉमिक हम छोटे से एक फोन में किसी भी नॉर्मल नॉर्मल फोन में भी हम आराम से रेडियो सुन सकते हैं किसी भी नॉर्मल गैजेट में कोई बहुत ज्यादा हमें इक्विपमेंट बहुत ज्यादा फैसिलिटीज बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बल्कि मुझको तो लगता है मोस्ट इकोनॉमिक मोस्ट इकोनॉमिक भी कह सकते हैं मोर को भी मोर को भी hmm. अगले स्लाइड में हम लोग बदल सकते हैं hmm. जी हाँ आम जन तक पहुँच का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम रेडियो है बचपन से आज तक विविध भारतीय <laughs> आपका ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा सर मुझको याद है जब मैं छोटा था अगर मान लिया हमारी इमेज को थोड़ा आप थोड़ा सा ऊपर कर दें और यहाँ जो रेडियो सेट है वो दिखा दीजिए हाँ रेडियो सेट आपको दिख रहा होगा हमारी इमेज के नीचे तो मुझको याद है विविध भारती आपने कहा और बचपन की एक बात मुझको याद आ गई और होता यह था कि बड़े खूबसूरत गाने है ना और कोई बोल रहा है रेडियो को दिखाएं रेडियो को दिखाएं जी हाँ तो इसी प्रकार का रेडियो हुआ करता था मेरे घर में भी, भी तो मैं रुका रहता था और रात के 11 बजे ऑलमोस्ट विविध भारती का जो प्रसारण है आ, ये आपका रांची आकाशवाणी से मैं याद करता हूं तो वो समाप्त होता था मैं पर्दे के पीछे छिपा रहता था सच में बिलवेश ऐसा होता था एक बाल सुलभ जो कौतुक होता है जो उत्सुकता होती है वो बहुत ही मुझको लगता था कि और उन्ही दिनों संयोग ऐसा था कि मैंने लिलीपुट के बारे में पढ़ा था है ना जो गुलीवर की यात्रा उसने था कि बहुत टाइनी टाइनी लोग भी होते हैं तो मेरी बाल कल्पना कहां तक जारी थी देखिए तो मुझको लगता था इसके अंदर जरूर कोई ना कोई तो बैठा होगा है ना कोई इतना अच्छा गा रही है तो देखूं कौन है इतना अच्छा गाती तो छिप करके ना पर्दे के पीछे मैं देखता था तो साथियों अब हमारा आज का प्रसारण यहां पर समाप्त होता है जय हिंद ऐसे करके समाप्त होता था अब मैं देखता था कोई बाहर तो नहीं निकलेगा तो <laughs> <laughs> बाहर कोई आता नहीं था नहीं। जो बाल सुलभ जो कौतुक है उसकी बात मैं कर रहा हूँ राइट तो एक ये है इट इज इजिली हाँ क्योंकि आप इसको आप अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं ये आपके साथ ड्राइव में तो आपने जैसा कि आपने ही बताया है कि आप ड्राइव करते साथ करने के साथ साथ इसको सुन सकते हैं आप अपने फोन में रख सकते हैं तो ये आपके साथ आप जहां जहां मूव कर रहे हैं ये भी आपके साथ मूव कर रहा है अच्छा एक बात और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे साथी और वो है कि इट अलाउज मल्टीटास्किंग जी सर यानी बहुत मल्टीटास्किंग को ये अलाउ करता है इसको हम कैसे समझेंगे जैसे की आप जब रेडियो सुन रहे हैं तो आप साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं आप गार्डनिंग कर सकते हैं घूम हाँ सकते? सकते हैं आप घूम सकते हैं जॉगिंग कर सकते हैं जॉगिंग कर सकते हैं बिल्कुल आप किचन में काम कर सकते हैं तो अच्छा, ये आपको अलाउ करता है मतलब आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं और रेडियो को भी सुन सकते हैं यानी अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो अगर बच्चा तो मान लिया बैठे बैठे कब तक बैठ के पढ़े हाँ, है ना बॉडी को स्ट्रेच तो करना चाहिए तो रेडियो यदि एक माध्यम है यदि ऑडियो बुक वहां पर है एक अच्छी कविता है और कुछ ऐसा है तो वो भी चल रहा है और बच्चा रूम में आराम से घूम भी रहा है और, और रेडियो से डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता है कि डिस्ट्रैक्शन जैसे कि बच्चा कहीं और चला जाए तो वो एक आराम से म्यूजिक चला के या कोई भी पढ़ाई कर सकता है तो अब यानी एक बात और है कि मुझको ये लगता है एक पॉइंट हम लोग को और जोर देना चाहिए कि रेडियो आपको कैप्टिवेट नहीं करता कैप्टिवेट नहीं करता यानी एक जगह आपको बांध के नहीं रखता यहीं बैठो तो दिखूंगा मतलब yes, ऐसा नहीं हाँ। है ना ऐसा बिल्कुल नहीं है और मतलब घूमते फिरते हाँ। सब कुछ करते हैं, हम रेडियो को सुन सकते हैं सो दिस इज एक्टिव मीडियम यस इट इज एक्टिव मीडियम और आगे देख सकते हैं कि रेडियो हैज वाइडर वाइडर रीच टू टफ ज्योग्राफिकल कंडीशन तो जो की पीएम ई विद्या भी बोलती है कि जो बहुत ही दुर्गम जो जनजातीय क्षेत्र है जहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है जी सर साथियों आपसे हम कहना चाहते हैं कि रेडियो के रूप में एक बहुत पावरफुल टूल आपके हाथ में है बिल्कुल यू कैन डू सो मेनी थिंग्स तो टफ से टफ एरियाज के अंदर भी मतलब रेडियो की तरंगे आपने बोल ही दिया हाँ। कि सूरज की किरणों के बाद कहीं सबसे ज्यादा यदि कोई तरंगे हैं तो रेडियो है तो इट कैन रीच टू द टफेस्ट ज्योग्राफिकल कंडीशन और यहाँ पर देखते हैं मोर इफेक्टिव इन द नेचुरल जी सर इसके बारे क्या कहेंगे सर जैसे की मान लीजिए की कोई अर्थक्वेक है या कुछ बाढ़ आ जाती है तो जहाँ सिग्नल डिस्ट्रेक्शन हो जाते हैं जहाँ सिग्नल ब्रेक हो जाते हैं हाँ तो वहां पे फिर से मैं कहूंगी कि रेडियो एक बून है हाँ रेडियो की वेव्स रेडियो की वेव्स ही हैं जिनके थ्रू हम उस क्लाइमेटीज में भी नेचुरल क्लाइमेटीज में भी लोगों के पास पहुंच सकते हैं हाँ हाँ तो ये उस टाइम पर भी रेडियो वेव्स ही हमें सपोर्ट करते हैं हाँ मुझको याद आता है एक बार कि शायद आई थिंक इट वाज सेवेंटी और बाद का, 77 था शायद बहुत भारी साइक्लोन आया था आ, 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 आपका, आपका बंगाल की खाड़ी में तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो ज, जो आपका कोस्टल एरियाज हैं वहां काफी डिस्ट्रक्शन हुआ था उस टाइम का मुझको याद है कि उस समय मदद के लिए कोई नहीं था क्योंकि अगर टीवी टावर है तो वो भी गिर गए। गए। जी। बहुत सारी चीज संवाद बिल्कुल कट हो गया था लेकिन उस टाइम में ओनली रेडियो प्लेड द रोल एज एन एंजल एंजल। यानी मैं दूध कहूंगा बिल्कुल एक ऐसा दूध जो कि शुभ समाचार लेकर के आ रहा है जैसे लोग राहत शिविरों में फंसे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कोई हमारा हमारा परिजन हमारा कोई प्रियजन उसके बारे में क्या सूचना है और वो रेडियो को लगातार देखते रहते थे यूं करके और रेडियो में आता था कि मिस्टर सो सो एंड वी हैव गुड न्यूज टू शेयर विद यू दैट योर योर डियर वन ब्रदर इज ऑलरेडी फाउंड ऐसा सुनकर के कि कितना अच्छा लगता होगा अच्छा है।, है ना तो ये है तो ये रेडियो के स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों ने बातचीत की जी आगे चलते हैं आ, कुछ और इसमें अगर शेयर करना है सर इसमें ये जो रेडियो है आपको मोर इमेजिनेशन अलाउ करता है जैसे कि सर आप टीवी में क्या है कि जो आप देख रहे हैं जो आपको परोसा जा रहा है आप वही खा रहे हैं लेकिन रेडियो के साथ ऐसा नहीं है आपके पास बहुत सारी इमेजिनेशन के लिए जो आप सुनते हैं हाँ तब तो हम बोलते हैं हमने परोस दिया खाना है तो यही यही खाना है हाँ। लेकिन रेडियो में क्या है कि आपके पास आपके पास इमेजिनेशन के लिए बहुत सारे स्कोप है या जो बच्चा सुन रहा है उसके पास बहुत सारा इमेजिनेशन के लिए टाइम है जैसे कि अगर हम फ्लावर्स की ही बात करें अगर हम रोज की बात करते हैं तो अगर हमें टीवी में रेड कलर का रोज दिखाई दे रहा है तो बच्चा देखेगा कि रेड कलर का है हर कोई का कमेंट यही होगा हर एक का आ, सेम ही होगा लेकिन अगर हम सिर्फ गुलाब की बात कर रहे हैं रेडियो में ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है उसका जो गुलाब है वो काले कलर का भी हो सकता है काले रंग का हो सकता है पीले रंग का हो सकता है और लाल रंग का भी हो सकता है तो ये डिपेंड्स ऑन ये इमेजिनेशन को बढ़ावा देता है ये इमेजिनेशन को मतलब ये इमेजिनेशन को स्टिम्युलेट करता, करता है मतलब हर एक ये के बहुत करीब है बिल्कुल सर कि आपको जो सोचने की स्वतंत्रता है आप जी और इससे कई बार हम ये कहते हैं सुनिएगा बड़ा अच्छा कोट है ये की रेडियो के द्वारा हम एक काम करते हैं और, और वो एक कमाल है, आँखों से दिखाया तो आँख तो देखती है कौन सी बड़ी बात है लेकिन है। रेडियो से काम करते हैं कि हम कानों से दिखाते हैं सर। कान से दिखाते हैं ना क्योंकि कान से हम सुनते हैं उसके द्वारा इमेजिनेशन आता है पीपल और ऑडियंस सी थ्रू दस थ्रू दस आगे चलते हैं नो स्क्रीन टाइम के लिए भी हाँ गुलाब से गुलाबी फीलिंग ही आती है हाँ, हाँ बिल्कुल आती है और मिल्कुल आगे अब सरकार द्वारा इंटरनेट बंद हो जाता है तो रेडियो चलता रहता है वेरी गुड बिल्कुल आप लोगों ने ग्रेस्त किया है थैंक यू वेरी मच और यहाँ पर देख रहे हैं जी हाँ रेडियो आर्मी और जंग के समय सबसे ज्यादा उपयोगी होता है बिल्कुल ठीक है बहुत अच्छे कमेंट हैं वेरी नाइस नाइस ऐसा खेलना अच्छा लगता है ना ठीक है आगे चलते हैं और यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ द रेडियो में रही थी आपको रेडियो नहीं देखनी स्क्रीन फॉलो नहीं करनी अभी जैसे मल्टीटास्किंग की भी बात की हमने रेडियो के साथ तो आपकी जो मतलब स्क्रीन से आप बच सकते हैं अगर जब आप रेडियो देख रहे हैं तो सुन रहे हैं ये कोविड टाइम में कुछ हुआ था कोविड टाइम में क्या है की जो मैक्सिमम जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो खेलने के लिए भी स्क्रीन पे डिपेंडेंट थे और पढ़ाई के लिए भी तो वहां पे तो पढ़ाई भी की फिर मनोरंजन चाहिए तो उसके लिए, लिए भी स्क्रीन पे मोबाइल चाहिए यस यस तो गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि बच्चे इस टाइम से इस टाइम तक मतलब वन आर, टू आर से ज्यादा स्क्रीन नहीं देख सकते हु, हु. तो उस टाइम पर भी एनसीईआरटी ने एक प्रोग्राम चलाया था ध्वनिशाला ध्वनिशाला एक ये बोन था बच्चों के लिए काइंड ऑफ बोन था कि वो बच्चे पढ़ सकते थे और उनसे उनकी आंखों पर भी असर नहीं था क्योंकि स्क्रीन टाइम तो थी ही नहीं स्क्रीन तो था ही नहीं तो उस टाइम पे रेडियो ने एक अपना मतलब एक बहुत बड़ा रोल निभाया कोविड के टाइम पे भी तो सर, जी सर गो हाँ, हाँ, तो टू अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जी सर बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है इसमें आप लोग की प्रतिभागिता बहुत चाहिए हम लोग को है ना क्योंकि हम हम खाली विचार प्रकट नहीं करेंगे हम विचार विमर्श करेंगे दोनों तरफ से है ना तो यहाँ पर एक टर्म आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज कॉल्ड द ब्रॉडकास्टिंग जी सर हजारों लाखों बार शब्द हमने सुना होगा ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग लेकिन का इनफैक्ट टेक्निकल मीनिंग क्या है इस बात को और बहुत जल्दी हम आज के कंटेंट में आएंगे समय है हमारे पास राइट लेकिन इस समय इसको देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रॉडकास्टिंग तो ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब है आ, सर जैसा कि नाम है ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉड मतलब इट्स अ वाइड एरिया कास्ट मींस टू पुट तो जब इलेक्ट्रॉनिक ब्रौड्क मैग्नेटिक सिग्नल्स बड़े एरिया पर बड़े भूभाग पर जब पुट की जाती है टू कास्ट की जाती है तो उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिग्नल आ, एक बड़े भूभाग पर जब कास्ट की जाती है तो उसे कर सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। like, तो एक एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं अभी तो हाथ में है नहीं इसको माइक मान लीजिए ये इसे माइक्रोफोन है और माइक्रोफोन हम लोग पकड़ लेते हैं जी हाँ नमस्कार श्रोताओं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद समय आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं हूँ अजीत और मैं हूँ विमलेश आप सबों को हम दोनों का नमस्कार, नमस्कार। तो श्रोताओ बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपने लगातार इस कार्यक्रम को सुना है और इस समय आपसे एक बात हम कहना चाहते हैं जैसा कि आप जानते हैं हम इस समय बातचीत कर रहे हैं नई दिल्ली से जी। लेकिन इस समय स्क्रीन पर हमारे पास एक संदेश आ रहा है और वो संदेश इस समय हम देख पा रहे हैं कि असम से हमारे पास संदेश है और एक संदेश एक और है देश है जो हरियाणा से है हरियाणा से है एक संदेश और हमें दिखाई पड़ रहा है वो हिमाचल प्रदेश से है तो इन सारे राज्यों को हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं अपने उन श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं लेकिन एक बात मुझे दिखाई पड़ रही है अंडमान निकोबार से भी तो इतनी दूर तक हम अपने श्रोताओं तक रीच कर सकते हैं। जी सर। तो आपने यहाँ पर एक बात देखी दोस्तों कि हम दिल्ली से बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग बहुत दूर दूर जगहों से लोग हमको सुन रहे हैं हम इस समय टेरिस्टेरियल ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहे हैं ऐप की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी आ गया माइक्रोफोन सामने है ना ये माइक्रोफोन है इसका यूज हम बाद में करेंगे तो आ, बहुत दूर से हम बात कर रहे हैं दिल्ली से और लोग सुन रहे हैं हमको मे बी आपका दक्षिण अफ्रीका में अंडमान निकोबार में सुन रहे हैं ओवरसीज ब्रॉडकास्टिंग है है ना तो लोग हमको अलग अलग जगहों पर सुन रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि वी आर कवरिंग अ वेरी ब्रॉड एरिया वी आर कास्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिग्नल इन अ वेरी ब्रॉड एरिया दैट्स वे इट इज ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट का ये मतलब है इसी का उल्टा थोड़ा सा चलते हैं एक बार ये स्लाइड दिखा देते हैं हाँ यहाँ पर देख सकते हैं ब्रॉडकास्ट होता है हाँ, समुद्र के पार्क हाँ. तो दैट इज अ ब्रॉडकास्ट हाँ दैट इज ब्रॉडकास्ट तो इन सिंपल लैंग्वेज अगर अगर हम कहेंगे तो द ब्रॉडकास्ट कवर्स अ वास्ट डिस्टेंस ऑफ लैंड मास है ना सर, हम इसको इस समय ये कहेंगे अब अब इसी के उलट चलते हैं जल्दी से आ, तो ब्रॉड का उल्टा है, तो नैरो तो मतलब तो हम इसको कैसे समझेंगे नैरो मतलब जैसे कि ब्रॉड वाइड हो गया नैरो एक छोटा भूभाग हो गया छोटा भूभाग हो गया नैरो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिग्नल एक पर्टिकुलर एरिया पर हाँ। एक नैरो एरिया में जब कास्ट किए जाते हैं दैट इज नैरो कास्टिंग तो क्या इसका एग्जाम्पल कम्युनिटी रेडियो या एफ हो सकता है बिल्कुल सर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी नैरो कास्टिंग की रेंज में आते हैं जिसकी रेंज है टेन टू फिफ्टीन किलोमीटर अभी हमने जब बात की थी और एफ चैनल्स भी हम नैरो कास्टिंग की उसमें

हाँ, जुले। हाँ, जुले, लद्दाख में थे हम लोग और बहुत लो हमारे बहुत परम मित्र बन गए हैं हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मन में आया तो इस समय और सबको बता दें कि शायद बहुत सारे स्टेट्स ने नहीं मालूम होगा कि आ, आपका लद्दाख में हम अभिवादन कैसे करते हैं तो कैसे करते हैं जुले।, जुले तो आपको हमने याद किया हाँ। आपको हमने याद किया आगे आगे चलते हैं हैं हाँ, हैं कभी -कभी <laughs> आ, आगे चलते हैं 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 पर सिंगर भी छोटा मोटा गा लेते कभी कभी वो कुछ कुछ गीत तो गाते हैं कभी कभी तो आगे चलते हैं ना एंड गोइंग टू एंजॉय दिस के बारे में अगर इसको हम थोड़ा सा देख लें इसी प्रकार नेरोग में अभी जैसे बात की हमने सामुदायिक रेडियो स्टेशन की बात की बात की हमने तो अभी यहाँ पे एक आप डेटा भी देख पा रहे हैं। कि ये 255 जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हाँ ये से हैं। कि हम 255 अपने पे जो एनसीईआरटी जो प्रोग्राम से एसोसिएटेड है वो उनके साथ हम शेयर करते हैं बिल्कुल तो वो अपने अपने लोकल कम्युनिटी में उनको प्रसारित करते हैं आगे चलते हैं आगे समय को भी देख करके चल रहे हैं अब हाफ आवर है करीब करीब हमारे पास सवा ग्यारह होता है ना राइट टाइमिंग बोलते बोलते भूल गया देखें तो अब चलते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट आज का जो हिस्सा है हम उस पर चलते हैं और अपने आप को तैयार कर दीजिए है ना हाथ पांव मजबूत कर दीजिए बहुत इंटरेस्टिंग ये होगा एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉर्मेट्स ऑफ द रेडियो प्रोग्राम जी सर फॉर्मेट मतलब होता है और सबसे पहला जो कि इसको बाद में दिखाते हैं हम सबसे पहले इस समय रेडियो फॉर्मेट की बात जी करेंगे फॉर्मेट का मतलब हो गया स्टाइल और स्टाइल ऑफ ऑफ प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति की विधा ओके तो अभी एक छोटा सा ड्रामा करते हैं और इसके द्वारा आप आ, आप इस समय समझेंगे कि क्या आपको हम बोलना चाहते हैं जी रेडी जी। तो एक अच्छा सा ड्रामा करते हैं इस समय बस आप लोग तैयार हो जाइए रिएक्शन तो बहुत अच्छा दे रहे हैं तो लगातार देते रहे हाँ बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है थैंक यू वेरी मच तो हमीसा हाँ आपको भी खमागणी साहब आपको भी आ, आप अपने अपने राज्यों के अभिवादन भी टाइप कर सकते, सकते हैं, हैं तो से, आ, राजस्थान तो आ, कुछ कुछ बात हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सबका आगे चल के आ जाएगा जरूर अपने अपने राज्यों के बारे आप तो जरूर बोलें है ना तो बहुत अच्छा लगेगा राजस्थान के बारे में कुछ यहाँ पर लिख रहे थे कि जो राजस्थान है है ना राजस्थान के बारे जैसे हरियाणा के बारे में कि दूध दही का खाना है फेमस मेरा हरियाणा है जी। है ना राइट आ, दुनिया जिसे फलों की टोकरी के नाम से जानती है वो हमारा हिमाचल है हिमाचल भी है ले के लिए तो हमने बोल ही दिया पांच नदियों का हार पहने हुए वीरों की मैं धरती हूँ मुझे पंजाब कहते हैं मैं भी गुरुओं की धरती हूँ ऐसे तो आगे आगे हम देखेंगे राजस्थान से भी आया मेरी माटी में है शौर्य की अनगिनत गाथाएं मैं सांस्कृतिक विरासत का दर्पण हूँ मैं राजस्थान राइट right? तो दिल वालों की दिल्ली हाँ, दिल वालों की दिल्ली तो हम तो हम लोग इसमें दिल्ली से बोल रहे हैं हम तो दिल वाले हैं तो एक ड्रामा करते हैं एक हल्का सा ड्रामा और अभी देखेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट्स ऑफ रेडियो प्रोग्राम आप प्रोड्यूसर हैं जी सर और मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं जी आप ले ले तो बिमलेश जी आप आ, आपका काम क्या है सर मैं प्रोग्राम बनाती हैं सर प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम मैं सर रेडियो प्रोग्राम बनाती हूँ सर रेडियो प्रोग्राम रेडियो प्रोग्राम जी 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 बहुत अच्छी बात है तो रेडियो प्रोग्राम में क्या बनाती हैं आप सर मैं ऑडियो प्रोग्राम बनाती हैं सर ऑडियो प्रोग्राम रेडियो प्रोग्राम मतलब रेडियो से जो ब्रॉडकास्ट होता है वो ऑडियो वो तो एक सी बात हो आप बनाती क्या है सर मैं ऑडियो प्रोग्राम बनाती हूं व्हिच कैन बी लिसनड सर आप आप तो <laughs> मैं बिल्कुल गड़बड़ा गया नहीं कि आप ऑडियो प्रोग्राम बनाते हैं जो कि सुना जा सकता है ये तो ऑबियस है लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ आप, आप बनाती क्या है सर मैं रेडियो प्रोग्राम बनाती ओफ आप रेडियो प्रोग्राम बनाते हैं लेकिन उस प्रोग्राम में क्या बनाती हैं आप कुछ उसका फॉर्मेट होगा कुछ होगा अभी मैंने बताया ना आपको मैं ऑडियो प्रोग्राम बनाती है अच्छा ऑडियो प्रोग्राम मतलब अब मैं समझ गया कि आप रेडियो प्रोग्राम बनाती हैं जिसको सुना जा सकता है राइट आगे चलते हैं देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है तो क्या यहाँ समझ में आया

रेडियो डॉक्यूमेंट्री रेडियो डॉक्यूमेंट्री अगर मैं कहूँ मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ तब समझ में आएगा जी हम तीन चार फॉर्मेट की बात करेंगे समय भी क्योंकि अभी मुझे आ, रेडियो प्रोग्राम या ऑडियो प्रोग्राम की जगह क्या बोलना था कि मैंने सर रेडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई या रेडियो ड्रामा बनाया ड्रामा बनाया या मैंने फिक्शन बनाया फिक्शन बनाया हूँ तो हाँ, काम नहीं।, नहीं होगा और आगे भी आप जब बनाएंगे मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे जैसे भी करेंगे तो उसमें आपको एक फॉर्मेट का आइडिया होना चाहिए पहले की क्या मैं बनाने जा रहा हूँ या रही हूँ राइट तो रेडियो डॉक्यूमेंट्री से क्या समझेंगे डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री मतलब जैसा कि नाम है कि एक जो सबसे बड़ी बात है ये फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए और आधारित होना चाहिए और इसकी ऑथेंटिसिटी जरूर होनी चाहिए ऑथेंटिसिटी से क्या मतलब कि प्रमाणिकता जो इसकी इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास आर्काइव्स में हुँ. या अलग अलग जगह से कहीं से सोर्स होनी चाहिए सर उसकी जी जी, जी. आ, मतलब हम इसमें सोर्सेज में ले सकते हैं कि मेन्यूस्क्रिप्ट हो गई सर आ, डायरीज हो गई या फोटोग्राफ्स हो गए ओके तो ये अलग अलग हमारी सोर्सेज हैं डिफरेंट डिफरेंट एक ऑडियो भी हो सकता है कोई वीडियो भी हो सकता है तो ये इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स ओनली ओके okay, ओके okay. हाँ, तो डॉक्यूमेंट्री में और एक और चीज होती है डॉक्यूमेंट्री में कि ये इसमें बहुत ज्यादा आर्टिस्ट नहीं रिक्वायर्ड होते आर्टिस्ट इसमें मैक्सिमम वी कैन हैव टू आर्टिस्ट ओके मेल और फीमेल तक हो सकते हैं स्पेशली इन डॉक्यूमेंट्री केस राइट क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में हमारे पास ड्रामा तो है नहीं हाँ. तो हमें एक या दो से ज्यादा आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अच्छा नहीं होती है तो दैट इज डॉक्यूमेंट्री और ये नरेशन बेस्ड होती है सर अच्छा तो नरेशन बेस्ड में क्या है कि जैसे आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी बाइलिंग मेल फीमेल हम कर सकते हैं की आपने हाँ। बोला फिर मैंने बोला हाँ। या सिंगल वॉइस भी हो सकती है तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं तो ये अभी डिस्कस किया था कि ऑडियो हो सकता है वीडियो हो सकता जी, है, है फोटोज हो, हो सकते हैं डायरीज हो सकते हैं लेटर हो सकते हैं कोई प्रिंट मटेरियल जो कभी छपा हो लेकिन ऑथेंटिसिटी जरूर देखनी है कि हमारी सोर्स क्या है हाँ। वो जरूर चेक करनी है डॉक्यूमेंट्री बनाने से पहले हमें कोई भी अच्छा, बनाने से पहले। जी राइट इस समय समझेंगे कि व्हाट डू मीन द डॉक्यूमेंट्री तो इस समय अच्छा थोड़ा हंसना चाहिए एंजॉय भी हाँ। करना चाहिए है ना खाली एकदम ज्ञान का प्रसारण नहीं हो रहा है बिल्कुल है ना यहाँ पर देखते हैं डॉक्यूमेंट्री वन व्यूज आर नॉट इंक्लूडेड इन व्यूज Views are not अच्छा में जी ने बहुत है बताया लेकिन इस समय थोड़ा देखेंगे की डॉक्यूमेंट्री क्या है तो इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए आइए थोड़ा कल्पना लोक में चलते हैं मैं प्रोड्यूसर हूँ और आप भी प्रोड्यूसर है आप बल्कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और इस समय मैं अपने रूम में बैठा आराम से ड्राइव करती हुए एफएम सुना बहुत बढ़िया गाने थे सब कुछ गुड आकर के रूम में बैठ गया एंड हैविंग uh, आपका सिप ऑफ आप द कॉफी है ना कॉफी पी रहा आराम से तो कल तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया बिल्कुल आराम है लेकिन मुझको नहीं पता अभी हेड जी का फोन आने वाला है तो आप डिपार्टमेंट की हेड हैं आप मुझको कॉल कर रही हैं जी ट्रेंड 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 किसका फोन है अच्छा हां अजीत सर जी मैम जी जी नमस्कार नमस्कार आ, नमस्कार आप जरा मेरे रूम में आएंगे रूम नंबर वन 145 आई वांट टू डिस्कस समथिंग अच्छा आपके रूम में आता हूं मैम ठीक है मैं आ रहा हूं अभी जी आ, जी प्लीज हैव अ सीट हाँ थैंक यू मैम थैंक यू सर आपको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है सर डॉक्यूमेंट्री बनानी है जी, जी हां अच्छी बात है अच्छा बनेगा जी हां लेकिन अक्सर एक बात होती है जो कि मैंने देखा है कि जो भी बनाना पड़ता है उसका होता है कि कल तक बन जाना चाहिए हाँ जी सर तो, तो... सर ये भी आपको कल तक ही प्रोड्यूस करनी है कल तक ही बनानी है क्योंकि और डॉक्यूमेंट्री अरे ये हमारे ऊपर प्रेशर है सर ऊपर से ने... आपको कल तक ही बनानी है सरे. नहीं कल तक तो मैम लेकिन एक बात है की अच्छा ये बताए की टॉपिक क्या है टॉपिक आजादी का अमृत महोत्सव आजादी का अमृत महोत्सव जी सर डॉक्यूमेंट्री जी सर और कल तक जी सर बिल्कुल अरे मैडम आप तो जानते हैं ना आप तो जानते हैं लेकिन फिर भी मन के अंदर है तो बात बोलना पड़ेगा अब क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्री बोली तो आजादी का अमृत महोत्सव बहुत लंबा स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है जी। इसके लिए मुझको इमीडिएटली मैं कल तक तो नहीं बना सकता क्योंकि मुझको जाना पड़ेगा आकाशवाणी वहाँ कई जो स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता हैं उन लोग की साउंड बाइट मुझको चाहिए जी। आ, आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जाना पड़ेगा और अलग अलग जगहों से मुझको पहले बहुत सारे शोध करके मुझको सारी सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी इसमें समय तो लगता है तो डॉक्यूमेंट्री तो ऐसे नहीं होगी बल्कि मैं तो ये कहूंगा मुझको एक आप एक परमिशन लिख करके रेडियो एंड आई कैन गो टू डेही पब्लिक लाइब्रेरी ताकि मैं कुछ शोध तो कर सकूं तो एक दिन में तो संभव नहीं होगा तो नहीं। आ, आप दो तीन दिन तीन दिन में बना दीजिए तीन दिन आ, अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ अपनी ओर से तो कि आ, कम से कम तीन दिन आ, दो दिन कम से कम शोध के लिए और दो दिन प्रोडक्शन की मतलब आपको पांचवे दिन सुबह दस बजे आपको कार्यक्रम मिल जाएगा ठीक ओके ओके थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद uh, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि next. तो दिस इज कॉल्ड द रेडियो डॉक्यूमेंट्री नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट अभी नहीं डॉक्यूमेंट्री पे जो एक पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं कि जैसे कि अभी सर ने कहा उनको अगर ये फिक्शन होता तो सर एक दिन में प्रोड्यूस कर सकते थे हाँ। एक दिन में ये प्रोड्यूस हो सकता था क्योंकि वो फिक्शन है आप रात को बैठ के लिखते है और सुबह आप उसको प्रोड्यूस कर सकते वो तो थे। कल्पना की उड़ान है हाँ। तो आप रात में कितनी भी उड़ान भरिए और सुबह हाँ। सुबह तो उसको प्रोड्यूस कर उठ के लिख दीजिए राइट लेकिन डॉक्यूमेंट्री के केस में क्या है कि जैसा कि सर ने कहा कि उनको रिसर्च करनी पड़ेगी उनको हो सकता है कि आर्काइव जाना पड़े उनको अलग अलग जगह से शोध करना पड़ेगा तो रिसर्च इज दी मेन पार्ट फॉर दी डॉक्यूमेंट्री आप रिसर्च के बिना कोई कोई बिना फैक्ट्स के आप डॉक्यूमेंट्री बना ही नहीं सकते हैं हाँ बीच तो, में एक बात पढ़ दूँ आप आप लोग का प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अच्छा है और आवाज भी अच्छी है जी आ, आपके लिखने का भी तरीका बहुत अच्छा बहुत है अच्छा हाँ, आगे जी तो सर ये मैंने डॉक्यूमेंट्री के लिए अभी ऐड किया तो सर आप नेक्स्ट हाँ तो देट इज डॉक्यू ड्रामा जी सर अ, अच्छा मुझको ये करना पड़ेगा जैसे अभी मैंने बातचीत की आपके साथ कि अब मान की आजादी के अमृत महोत्सव का एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है जलिया वाला बाग जी सर अब जलिया वाला बाग में मैं स्टेन गन नहीं चला सकता नहीं चला सकता क्यूँकी हाँ। तब तक तो स्टेन गन का आविष्कार ही नहीं हुआ था जी बिल्कुल मशीन गन भी लाइट मशीन गन थी तो उस समय जो यूज होती थी मुझको रिसर्च में जाना पड़ेगा इसे तो मेरी छुट्टी मांगी बिल्कुल बिल्कुल तो रिसर्च में जाना पड़ेगा तो मुझको पता चलेगा की उन दिनों तो थ्री नॉट थ्री यूज होती है बिल्कुल तो उसकी आवाज कैसी थी मुझको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा म्यूजिक क्या थी म्यूजिक क्या होता था बिल्कुल और उस जगह का पर्टिकुलर जो एरिया है जलिया वाला बाग की अगर पंजाब है पंजाब की बात कर रहे हैं तो हम वही का म्यूजिक लगाएंगे हाँ तो उसके बारे में ऐसे कर

ड्रामा हाँ, तो आप ड्रामा है जैसे कोई भी पुराना वाला बाकी ही बात कर लेते हैं कि हुँ? हमने नरेशन आया हुँ? और अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं हाँ? तो इसमें डॉक्यूमेंट्री में जैसे हमारे पास दो ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं मोड़ मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकते हाँ? लेकिन डॉक्यू ड्रामा में आप पांच से छह कैरेक्टर्स आराम से रख सकते हैं हुँ? तो ये आपको डॉक्यूमेंट साथ साथ आप नरेशन के साथ साथ ड्रामा आराम से ऐड कर सकते हैं लेकिन ये भी सिर्फ फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए सर तो इसका एक छोटा सा डेमो हम लोग तो कर सकते हैं कि जैसे मान लिया कि मैं सूत्रधार हूँ जी सर आ... जब हम डॉकी ड्रामा करते हैं तो तो सूत्रधार की जरूरत पड़ती है तो पॉसिबली अभी हम लोग दो लोग सूत्रधार हो गए और अब क्या करेंगे कि जो घटनाक्रम है उसको हम ड्रामा के द्वारा शो करेंगे तो जैसे कि एक बार फिर से पंजाब की भूमि में चलते हैं जी श्रोताओं नमस्कार मैं आपका दोस्त अजीत और मैं विमलेश आ, तो आज आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे आज की नशरियात में आज हम पेश करेंगे आ, एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम और एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला कार्यक्रम और वो कार्यक्रम हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है और कार्यक्रम का शीर्षक है जनिया वाला बाग तो श्रोताओं आइए चलते हैं पंजाब की भूमि में बैसाखी का दिन था बैसाखी का दिन था और मैदान यानी जलिया वाला बाग लोगों की भीड़ से लगातार भरता चला जा रहा था लोग आ रहे थे आते चले जा रहे थे आते चले जाते आते चले जा रहे थे और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी और वहाँ पे ना आप फुट स्टेप्स डाल सकते हैं भीड़ के और वहाँ पे जलियावाला वाला बाग में एक एक ही दरवाजा था हाँ, यस एक ही दरवाजा था हाँ तो एक ही दरवाजा था मतलब आने के लिए भी एक ही और जाने के लिए भी एक ही था तो पूरा रूम भीड़ से भरा हुआ हुआ था अच्छा, हाँ, सारा, था था सारा सारा मैदान भर गया श्रोताओं एक ही दरवाजा था यानी बाहर निकलने के लिए भी अंदर आने के लिए भी एक, एक ही दरवाजा था और जो राष्ट्रीय नेता है वो उस समय वहां पर भाषण दे रहे थे भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी बैसाखी का दिन था कि अचानक अचानक जैसे मैंने अचानक बोला तो अब क्या होगा फायर हाँ फायर जैसे कि जनरल जनरल डायर का जो रोल है वो हम कर सकते हुँ. हैं इन लोगों की इतनी हिम्मत इन लोगों की इतनी हिम्मत मैंने ऑर्डर इशू किए थे ऑर्डर इशू किए थे कोई जमा नहीं होगा लेकिन ये जमा होगा हाउ डेयर देम आई विल शूट देम फायर है ना तो ये जो इंसिडेंट है वो रियल है हाँ. लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने कैरेक्टराइजेशन कर दिया दैट इज डॉक्यू ड्रामा सर दैट इज डॉक्यू ड्रामा तो यहाँ पर हमने देखा अच्छा साथ में म्यूजिक की music आवाज है, है ना आर्मी के बोर्ड खट 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 बिल्कुल आवाज आ रही है थ्री नोट थ्री गर्स की भी आवाज हम डाल सकते हैं और लोगों के भागने की आवाज चिल्लाने की आवाज है ना ये सब कुछ तो आवाज वहाँ पे क्रिएट की जा सकती है रीच जलिया वाला दैट इज द रेडियो दैट इज रेडियो है ना यही यही रेडियो है तो साउंड इफेक्ट के साथ जब ये होता है तो दिस इज कॉल्ड द डॉक्यू ड्रामा तो दो फॉर्मेट पर हम लोगों ने बातचीत की एक था डॉक्यूमेंट और नेक्स्ट वन इज डॉक्यू ड्रामा और अगला था डॉक्यू <docu> ड्रामा <laughs> uh, अच्छा है आप लोग के कमेंट को भी हम देखते जा रहे हैं yes. लेकिन समय को देखते भी चल रहे हैं और अब आगे चलते हैं आगे एक बहुत ही खूबसूरत एक हम <laughs> आ, इस, आ, आपका फॉर्मेट में आएंगे दिस इज कॉल्ड द रेडियो मैगजीन जी रेडियो मैगजीन मैगजीन किताब बुक uh, अच्छा है कि भाषण ना दें है ना अच्छा होगा कि हम एग्जाम्पल के थ्रू चलें तो बहुत अच्छा लगेगा इस समय तो व्हाट इज अ रेडियो मैगजीन जी सर अभी तक हम लोगों ने देखा कि डॉक्यूमेंट्री uh, क्या है हाँ। ड्रामा क्या है तो रेडियो uh, वर्ड को छोड़ देते हैं मैगजीन वर्ड को पकड़ते हैं पहले है ना व्हाट इज अ रेडियो मैगजीन तो अभी तक जितने फॉर्मेट हम लोगों ने देखे और अभी जस्ट थोड़ा सा इंतजार करें अभी कुछ चीजें हाँ हाँ तो अभी हम रेडियो मैगजीन के बारे में डिस्कस करेंगे इससे तो पहले दो तीन बातें आपको बताएं कि आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा आपको बहुत मतलब दिलचस्पी आएगी कि हाउ टू राइट फॉर द रेडियो हम उसकी चर्चा भी करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे साथ हमारे तकनीकी सहयोगी मयंक जी भी हैं आप आकर के अपना हाँ आपका विकास जी भी हैं तो हम तीन लोग इस समय इस समय इस आपका सेशन में आप लोग के साथ है तो टर्म क्या है रेडियो मैगजीन रेडियो मैगजीन तो पहले रेडियो को हटा देते हैं जी सर मैगजीन को समझते हैं बिल्कुल आप स्पॉट कर दो हम लोग को हाँ तो मैगजीन मैगजीन ही है हाँ ऐसी डायरी है लेकिन जस्ट इट इज फॉर द डेमो राइट तो स्कूल में हम लोग दोनों है स्कूल मैगजीन छप के आगे छपके आगे नया नया बिल्कुल है तो सबसे पहला काम क्या करते थे हम लोग सूंघने का सूंघते थे पहले ना बिल्कुल हाँ 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 हा, क्या क्या बढ़िया प्रिंट है ना हर एक की आदत होगी चाहे अभी आप टीचर हो गए होंगे आ, हम भी अभी हो गए हैं लेकिन अपने समय में तो किताबों को सूंघते थे ना क्या बात है बहुत बढ़िया तो ये स्कूल मैगजीन आ गई और अभी हम लोग दोनों इसको देख रहे हैं नोट कीजिएगा रेडियो वर्ड हमने हटा दिया तो ये इसका ये इसका कवर पेज, पेज, है। पेज, है क्या है यहाँ पर इस पे सर इस स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है स्कूल की बिल्डिंग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना छपी तो बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया सर लेकिन ऐसा दिखे भी तो और ज्यादा मजा आएगा है ना तो गुड गुड स्कूल मैगजीन आपका स्कूल की बिल्डिंग ओके okay, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में आते हैं क्या ये सर एडिटोरियल इट इज एडिटोरियल रिटर्न बाय द प्रिंसिपल सर हाँ जी सर <laughs> थोड़े, भारी भारी हैं। <laughs> थोड़े, थोड़े भारी भारी वर्ड है लेकिन अच्छा दिखते हैं अच्छा दिखते हैं प्रिंसिपल nice, nice. uh, का नाम भी देख रहे हैं, वंदना जी। है? okay, right. uh, आगे चलते हैं अगले पेज में एडिटोरियल बाद में पढ़ लेंगे बिल्कुल ज्ञान है थोड़ा है सा और यहाँ पर क्या है सर दिस इज स्टोरी एंड हियर आई सी देशन <laughs> उस दिन जब मैंने पूछा तो आपने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं यूं करके आपने छिपा दिया लेकिन अच्छा 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 तो आपकी कहानी है नाइस कहानी तो बहुत बढ़िया है कहानी है आ, कहानी है आम आम का पेड़ पेड़ नाइस लेकिन आम के पेड़ के द्वारा आप क्या बताना चाहते हैं अच्छा खैर वो तो आगे पढ़ेंगे अगले पेज में चलते हैं यहाँ क्या है सर ये तो एक कविता है सर ये तो एक कविता है जी हाँ ठीक है कविता बहुत बढ़िया 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 लेकिन आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स हाँ ये इट्स अ कार्टून सर अ कार्टून वाओ इट्स अ कार्टून है ना तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम पेज बदलते हैं वैसे वैसे वैरायटी बदलती जाती है जैसे जैसे पेज बदलते जाते हैं वैरायटी बदलती जाती है ना हुँ. और यही बात अब रेडियो को जोड़ लीजिए बिल्कुल मैगजीन आ, अब हम रेडियो मैगजीन करके समझेंगे जी तो अब हम इसको कैसे समझे जैसे जैसे हम आ, प्रोग्राम में चलते हैं कंटेंट बदलता जाता है सर या हम कहें कि फॉर्मेट बदलता जाता है जैसे कि पहले आपने एग्जाम्पल देखिए सर कर सकते हैं एग्जाम्पल लेते हैं स्पॉट कर दो देखिए रेडियो मैगजीन आप देख रहे हैं ना किताब है और पन्ने हैं एक हल्का सा डेमोन्स्ट्रेशन श्रोताओं नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त अजीत और मेरे साथ हैं विमलेश और आज के इस मैगजीन प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक 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 स्वागत, स्वागत है।, है सलाम जोहार नमस्कार नमस्कार तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप रेगुलरली हमको सुनते हैं इस समय आप ड्राइव कर रहे होंगे और आराम से ड्राइव कीजिए <laughs> लेकिन आराम से सुनिए भी आप हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे सो फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू प्रेजेंट टू यू राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू यू अ वंडरफुल पियानो रिसाइटल एंड दैट रिसाइटल इज बाय लुडविग वॉन होवन बट आफ्टर यू लिसन टू दिस एक आपसे निवेदन है Hold on to your breath. सांस रोक के रखिए क्योंकि हमारे स्टोर में आपके लिए बताते बिल्कुल अभी आपको नहीं कम्स द रिसाइटल बाय लुडविग विथ होवन फॉलोड बाय नॉट फॉलोड बाय उसके बाद कुछ होगा लेकिन शोता बस लेकिन हल्का सा क्या मतलब आपका क्लू दे दें इसके बाद हम एक स्टोरी सुनेंगे एक स्टोरी सुनेंगे लेकिन स्टोरी, स्टोरी सुनाने के लिए हाँ कि किस पर कहानी है हाँ, कि किस पर कहानी है और उसके बाद एक और सस्पेंस आपको दे दे आ, हमारे स्टूडियो में कर रहे हैं एक बहुत बड़े शख्स इंतजार आपसे मिलने के लिए और आप उसकी वॉइस को पहचानते हैं लेकिन अभी हम आपको नहीं बताते तो होल्ड ऑन टू एंड लिसन टू दिस प्रोग्राम तो इसको आप एनालाइज कैसे करेंगे जो ड्रामा हम तो एक तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स थे सर जैसे कि, हाँ। कि आपने बात की कि अभी आप पियानो रिसाइटल हाँ। हाँ। तो अलग -अलग, uh, हो गए सर हाँ। अगर हम रेडियो मैगजीन की बात करें तो जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं फॉर्मेट्स बदलते जा रहे हैं यहाँ पर याँ, एक मैसेज है प्रोग्राम ब्यूटिफुल uh, <laughs> हाथी हाथी जोड़ सकते हैं राइट तो हाँ तो हम इसको एनालाइज कर रहे थे तो राइट हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे कंटेंट बदलता जा रहा था सर यस जैसे 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 जैसे, जैसे मैगजीन में जैसे पन्ना पलटते गए वैसे वैसे वैरायटी चेंज होती जा रही हाँ, तो क्या क्या वैरायटी हो सकती है हाँ, इसमें अगर रेडियो मैगजीन की बात करें तो कोई एक सॉन्ग हो सकता है वैरायटी देखिए कार्टून है बिल्कुल एक ड्रामा हो सकता है इट कैन बी अ यस इट कैन बी अ पोम इट कैन बी अ स्टोरी ये कोई इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है और ये टॉक भी हो सकती है जैसे हमी अभी हम बातचीत कर रहे हैं यू विश यस जो as as आपको wish. अच्छा लगता हो अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस प्रोफाइल एंड द ऑडियंस रिसर्च है भी ना भी तो दिस इज कॉल्ड द रेडियो मैगजीन बिल्कुल uh, तो इस पर कुछ और कहना है या आगे चलते हैं आगे चलते हैं अब बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर आ रहे हैं वन मोर ठीक राइट आप लोग लिखिए भी क्योंकि मैसेज बॉक्स पर भी हम आग टिका के बैठेंगे, राइट <laughs> right. uh, इस समय हम थोड़ी कंटेंट <laughs> की बातचीत करेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर लिस्निंग टू अ कन्वर्सेशन विच ड मेक अस बोर्ड नहीं ठीक है तो और आप लोग का पढ़ के हम भी <laughs> है ना नहीं तो पता नहीं कितनी देर बोलते है ना <laughs> बोल रहे हैं बोल रहे हैं अब यहाँ पर एक बात आती है आ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और वट इज नेट दिस इज रेडियो फीचर सर पर अभी तक हमने क्या क्या फॉर्मेट पर बात की हमने बात की है डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री वन ने बात की है डॉक्यू ड्रामा की डॉक्यू ड्रामा तो की बात we की टॉक अबाउट द रेड मैगजीन रेडियो मैगजी नाव वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियो फीचर अबाउट रेडियो फीचर जी सर तो वट इज अ फीचर फीचर सर अगर हम फीचर की बात करें तो किसी का जो पर्टिकुलर एक एक्ट्रीब्यूट है एक आ, या तो क्वालिटी कह लें क्वालिटी कह लें एट्रीब्यूट कर ले कह लें तो हम किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे जब हम फोकस करते हैं तो दैट इज अ फीचर सर यानी बहुत सारे गुणों में से यदि कोई एक पर, गुण को यदि हम फीचराइज करें बिल्कुल जैसे कि किसी पर्सन के बोलते हैं फीचर बड़े, बड़े शार्प, शार्प हैं, है ना तो ये उसका फीचर हो गया फीचर है है ना फीचर्स अब जैसे फीचर से मान लिया नाक हो सकती है हाँ, ये भी कह सकते हैं उसकी स्माइल बहुत अच्छी है स्माइल यानी स्माइल इज द फीचर यानी कुछ लोग की आइडेंटिटी होती है आप उसको आप जाइए जिस आप जिसको मुस्कुराता हुआ देखेंगे ना ये वही पर्सन है ना इट कैन बी अ काइंड ऑफ अ गुड इंट्रोडक्शन इट इज द फीचर तो कोई एग्जाम्पल इसमें है क्या सर कोई, कोई बढ़िया हाँ, एग्जाम्पल हैं हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एनसीईआरटी की एक टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है बहुरूप गांधी रूप यानी बहुत सारे वाले गांधी जी राइट तो उसमें क्या है कि गांधी जी एज अ राइटर हाँ गांधी जी एज ए सेंट एज अ सेंट saint, एज ए सेंट यस महात्मा थे महात्मा थे और गांधी जी एज अ फ्रीडम फाइटर हाँ फ्रीडम फाइटर ओके गांधी जी एज अ टीचर हाँ टीचर बहुत अच्छे शिक्षक भी थे शिक्षक भी थे तो नई तालीम उन्होंने ही दी बिल्कुल राइट बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ और हम गांधी जी एज एन ऑक्शनियर ऑल्सो एज एन ऑक्शनियर ऑक्शनियर जी सर ऑक्शन मतलब तो नीलाम होता है नीलाम सर तो हम उसको नीलाम वाला को हम मान सकते हैं कि ये उनका एक स्पेशल फीचर है तो हम हम इसी को क्यों मान ले क्योंकि सर वी हैव टू बी इनोवेटिव ऑल्सो इनोवेटिव अभी तक जिस हमें वैसा लिखना है जो किसी ने नहीं लिखा है वैसा सोचना है जो किसी ने नहीं, नहीं सोचा है बिल्कुल तो हमें अगर हमें ये फोकस करना है हो सकता है बहुत सारे कार्यक्रम पहले बने हों कि गांधी जी एज अ राइटर गांधी जी एज अ टीचर हाँ. गांधी जी एज अ सेंट ये, ये तो सब, सब कोई जानते हैं हाँ। बहुत कॉमन है लेकिन आपको क्या करना है आपको ना इनोवेटिव होना है अपने फील्ड में हाँ जब आप कोई कार्यक्रम बनाएंगे तो हो सकता है कि आपके टॉपिक पे दस कार्यक्रम मिल जाऊँ तो हम थोड़ा तो सा जनमत ले लें की जैसे हम आपको चार विकल्प देते हैं कोई एक विकल्प को आपको चुनना है जी साथ ही आप लोग को एक विकल्प को चुनना है जैसे अभी विमलेश जी ने कहा आप वो सोचे जो किसी ने नहीं सोचा बिल्कुल तो गांधी जी एज ए राइटर तो हम जानते हैं गांधी जी एज ए सेंट हम जानते हैं जानते हैं तो आपको हम विकल्प देते हैं गांधी जी एज ए राइटर गांधी जी एज ए सेंट गांधी जी एज ए फ्रीडम फाइटर गांधी जी एज एन ऑप्शनियर तो आपका चुनाव क्या होगा हम मैसेज बॉक्स में जाते हैं ऑप्शनियर राइट राइट बिल्कुल hmm. एकदम सही चल रहा है ऑप्शनियर 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 बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन वेरी ट्रू क्योंकि बहुत सारे इस पर कार्यक्रम नहीं बने हैं और बहुत ज्यादा मतलब ऑप्शनियर थोड़ा सा डिफरेंट है हाँ। कि मतलब सोचना कि गांधी जी एज अ नीलाम वाला कैसे हो सकता है अरे वो तो सोच ही नहीं सकते एक ना तो बिजनेस का।, का मामला है yes, इससे डेवलप होती है हाँ। तो जो हमारा टॉपिक है जो हमारा कंटेंट है वो मतलब थोड़ा सा एक डिफरेंट होना चाहिए तो इसको, इसको हम फीचर कहेंगे इसको हम फीचर कहेंगे इसको हम फीचर, फीचर कहेंगे ओके ओके तो, तो, तो एक... गांधी जी की ये सारे फीचर्स हैं जो हम हम अभी बात कर रहे थे लेकिन हम इस पर्टिकुलर फीचर जैसे ऑक्शनियर पर बहुत कम लोग जानते, लो जानते हैं बहुत कम लोग हाँ, जानते हैं ट्रू तो इस पर हम बात करेंगे गांधी जी ऑक्शनियर कैसे हो सकते हैं जी सर तो आइए चलते हैं बॉम्बे हाँ जी सर एक सेकेंड सर आइए चलते हैं बॉम्बे और साथियों वो है आज का मुंबई हाँ। तो हम वहां चलते हैं और आइए एक घटना की ओर इस समय अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और वो स्वतंत्रता संग्राम का समय था गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन की लहर बह रही थी और ये घटना है बॉम्बे की बॉम्बे इसलिए कह रहे हैं कि तब ये बॉम्बे ही कहलाता था बिल्कुल और एक मैदान है और उस मैदान में बहुत लोग वहां पर बहुत लोग वहां पर जमा है आगे बहुत लोग जमा हैं और वहां पर गांधी जी अपना भाषण दे रहे हैं अपना भाषण दे रहे हैं और विशेष जनता को संबोधन कर रहे हैं हाँ वो जनता को संबोधित कर रहे हैं और उनका जो मुख्य उद्देश्य वो ये था कि आ... एक चंदा वड़ाता है, चंदा था मतलब दान है ना? ना तो उनका पर्पस ये था कि राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए चंदा एकत्रित करना बिल्कुल। है ना चंदा एकत्रित करना और इतिहास ये बताता है कि बड़े 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 लोग बड़े, -बड़े उद्योगपति उनका नाम नहीं लेते ओके लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर थे और उसने फिर बातचीत करनी शुरू की जी पर गांधी जी के बारे में एक खास बात है उनकी वॉइस भी एक फीचर है वॉइस भी एक फीचर है हाँ अगर हम बात करें कैरेक्टराइजेशन की तो माना जाता है कि बहुत अच्छा बेस जिसकी आवाज में हो हाँ, बेस आवाज बेस, हो तभी अच्छा बेस, हाँ, है आवाज वही अच्छी है हाँ। जिसमें बेस हो या हम फीमेल की बात करें तो कहते हैं कि उसकी वॉइस ना बहुत शार्प है शिल है हाँ, शिल है शिल हाँ, शिल लेकिन आ, हमें क्या करना है कि गांधी जी के लिए कोई हमें बेस या मेरीटोन वॉइस नहीं चाहिए हाँ। अगर हम कैरेक्टराइजेशन भी कर रहे हैं तो हमें ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी जिसकी वॉइस हो उसको ही हमें लेना है अब जैसे गांधी जी ऐसे नहीं बोलते थे हाँ तो देशवासियों आइए आजादी के आंदोलन में शामिल हो जाएं ऐसे तो नहीं जाए ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते थे वो तो उनकी भी एक वॉइस की हमें रिसर्च करनी है इसके लिए भी हाँ। कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले कि उनकी वॉइस का टेक्सचर क्या था ये है फीचर ये है फीचर हाँ। बिल्कुल अगर हम बहुत ज्यादा बैरिटोन वॉइस गांधी जी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे अपने प्रोग्राम में तो हमारा प्रोग्राम वही फ्लॉप हो जाएगा वो केवल गिर पड़ेगा बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि से गिरेगा सुनेगा ही नहीं तो इसलिए हमें कैरेक्टराइजेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं कि आपके कैरेक्टर्स क्या हैं जी सर तो आइए अब एक अब उसी घटना में चलते हैं है ना और गांधी जी की आवाज कैसी थी हल्का सा उनके प्रति पूरे आदर के साथ ऐसा नहीं कि कोई मिमिक्री कर रहे हैं ऐसा नहीं लेकिन हल्का सा ट्राई करेंगे कि उनकी आवाज कैसी थी और उस घटना में हुआ क्या उनको हम ऑक्शनियर क्यों बोलते हैं तो साथियों बॉम्बे का वो मैदान और बहुत बड़ी भीड़ वहां पर थी और गांधी जी जनता को संबोधित कर रहे थे और वहां पर एक घटना हुई उस घटना की ओर चलते हैं इस समय तो तो जैसे मैं भी बात कर रहा तो देशवासियों देखिए अगर आप आ, आप गूगल कर लीजिए आप यूट्यूब में जाइए आपको उनकी आवाज की क्वालिटी वही मिलेगी तो देशवासियों मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ मेरी याचना है कि आप लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अधिक से अधिक जितना आप दे सकते हैं आप बड़ी उदारता से जी

आप मुझसे मिलना चाहती थी जी बापू जी हाँ मैं ये नींबू देना चाहती हूँ बापू जी नींबू जी विकास नींबू नींबू ये मजाक कर रही हो बापू जी के साथ शांत हो जाइए शांत हो जाइए बापू जी ये देश की स्वतंत्रता की कुछ काम आ सके बापू जी <laughs> क्या कहा जाते है साथियों जनता हंसने लगी जनता ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया नींबू वो भी एक निबू लेकिन गांधी जी का आप देखिए कि उनका आचरण क्या था शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो आ, इस बहन ने आप ने अपनी भरपूरी में से दिया है लेकिन इ, लेकिन इन्होंने अपनी गरीबी में से दिया है क्या आपके पास ये मात्र एक ही थी एक ही बा, बापू जी आप, आ, आपके बगीचे का है मात्र एक निबू था जी। तो साथियों हम आ, इनको बहुत हम इनकी सर, हम इनकी सराहना करते हैं हम इनको अप्रिशिएट करते हैं अप्रिशिएट नहीं बोलते थे प्रया हम इनकी सराहना करते हैं कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इन्होंने एक नींबू दिया है और अब देखते हैं कि ये नींबू क्या कर सकता है आप में से बहुत लोगों ने इस समय उपहास किया लेकिन ये उपहास का विषय नहीं है अब मैं एक बात चाहता हूं कि इस नींबू की अब हम नीलामी करेंगे जी अब हम नीलामी करेंगे और देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इस नींबू से जो कि बड़े त्याग बड़ी तपस्या से इन्होंने हमें दिया है तो उससे हम राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हम कितना कितना पैसा एकत्रित कर सकते हैं जी अब आप लोग का रोल होगा अब आप लोग का रोल होगा कि आप लोग को बिड लगाना है ओके राइट हाँ ठीक है आप आप बिड लोग को लगाना है मैं आप लोग को बात कर रहा हूँ तो तो हम लोग को बिड लगाना है और अच्छा टेन थाउजेंड के ऊपर मत जाइएगा क्योंकि टेन थाउजेंड इज द बेंच मार्क राइट right? एक हजार से शुरू हो गया है सर हाँ एक हजार से एक हजार एक एक हजार दो एक हजार एक हजार एक, हजार एक, हजार एक हजार एक एक हजार एक एक हजार एक हजार हाँ हाँ यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं बहुत धराधरा पांच हजार रह गया पांच हजार तीन हजार दो हजार एक सौ दो हजार एक सौ पूरे दस हजार रूपए दूंगा <गली> 10, दस हजार रुपये यहाँ पर हम देख रहे हैं हाँ छह हजार रुपये छह हजार रुपया फाइनली बताइएगा आपका इरादा दस हजार का है कि नहीं अभी फिलहाल यहाँ पर है दस आ, आपका दस, दस हजार से आगे नहीं दस हजार सौ ओके आ, आपका आप दस हजार हाँ नौ हजार पांच सौ नौ हजार पांच सौ नौ हजार पांच सौ नौ हजार सौ दस हजार रुपए देने के लिए तैयार हो बापू जी अच्छा दस हजार देने के लिए आप तैयार है स्टॉप रोक लेंगे समय तो आपको बताना चाहते है की हाँ अब आप इसको समराइज करेंगे जी तो ये जो आंदोलन से जो नींबू से जो वाला गांधी जी ने एक नींबू से दस हजार रेज किए और तो 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 उस टाइम पे सबसे ज्यादा मान सकते हैं कि वो फंड था हाँ, बहुत बड़ा बहुत बड़ा ये अमाउंट था क्योंकि बड़े बड़े उद्यमी उन्होंने शायद रिकॉर्ड ये बोलता है पांच छह हजार से ज्यादा किसी ने दिया नहीं लेकिन मामूली एक नींबू ने देखिये क्या कमाल कर दिया है ना दस इट इज द फ्यूचर It is the feature, है ना तो तो इसको इसको हम हम कहते हैं हैं बिल्कुल तो अभी आ, हम गांधी जी को नीलाम वाला के तौर पे देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे उस की की नीलामी की। हाँ. और ये जो ये, ये दिस इज आल्सो अ फैक्ट है बिल्कुल ऑफ yes. कोर्स की उनकी जो नीलामी थी वो दस हजार तक गई ये किताब में है एनसीआरटी की किताब में तो ये मतलब गांधी जी का अलग जो इनोवेटिव होना अलग से सोचना मतलब ये ये एक फीचर है दैट इज अ रेडियो फीचर दैट इज अ रेडियो फीचर तो हुँ. अब आगे चलते हैं जो अगला होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड नाउ दिस और आप लोगों ने बहुत ही सक्रियता से भाग लिया इसके तो हुँ. बहुत बहुत धन्यवाद करते हुँ. हैं हम लोग दैट्स वंडरफुल वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ और अब बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे हुँ. क्योंकि कई चीजें रेडियो टॉक आप जानते हैं हम्म रेडियो टॉक रेडियो टॉक जैसे अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ये भी एक रेडियो टॉक हो सकती है और रेडियो टॉक में एक और हो सकता है कि हम जैसे एक्सपर्ट बुला लें अगर स्टूडियो में हाँ। एक एक्सपर्ट को आप इनवाइट कर सकते हैं और उनके साथ आप पूरी एक स्क्रिप्ट लिख के उनसे डिस्कस कर सकते हैं हुँ। तो ये भी एक रेडियो टॉक हो सकती है जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो ये आ, ये भी रेडियो टॉक है जो हम जैसे अभी बात कर रहे हैं और एक एक्सपर्ट के साथ भी बातचीत के दौरान जैसे बातचीत की जाती है हाँ। वो भी एक रेडियो टॉक का एग्जाम्पल हो सकता है हाँ, वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है दैट वंडरफुल किसी एक्सपर्ट को इन्वाइट कर सकते हैं सर हाँ हुँ। तो रेडियो फीचर में व्यक्ति के विशेष गुण के बारे में कई गुणों में से एक गुण के जब एक गुण की हम बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट द रेडियो फीचर जी सर आ, आगे चलते हैं अगला लास्ट है और उसके बाद हाउ टू तो राइट फॉर द रेडियो फिर हम वहां पर जी जाएंगे हाँ। जी हाँ वर्क्स पॉपुली जी सर ये जो है इट्स अ फ्रेंच वर्ड सर वर्क्स जी सर पॉपुली पॉपुली दैट्स अ फ्रेंच वर्ड पॉपुलर्ड सर वर्क्स का मतलब हो गया वॉइस पॉपुली मींस पीपल अच्छा वॉइस ऑफ द पीपल यस सर ट्रू तो में क्या होता है कि हम एक हमने एक हमने स्टार्टिंग का जो नरेशन है वो हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड कर लिया हाँ। मान लेते हैं कि हम महंगाई से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं हाँ। या कोई हम कोई भी कंटेंट बना रहे हैं जैसे हम विद्यार्थियों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो हमने उनका एक भूमिका तैयार कर ली हाँ। स्टूडियो में और फिर हमने अपने अपने स्टूडेंट से जाके उनसे राय मांगी उनसे हाँ उनसे राय मांगी आपके क्या विचार हैं या आपको और क्या जानना चाहते हैं आप उस टॉपिक के बारे में हाँ। जैसे हम महंगाई के बारे में ही जनता के बीच बीच में पहुंच जाए हाँ। और फिर उनसे पूछें कि अच्छा आप बताइए कि आपका क्या राय है आपकी क्या विचार है हाँ। कि महंगाई बढ़ती जा रही है तो जैसे मैं आपकी एक बाइक हाँ, तो ले लेती हूँ आप सर आप मैं शर... जैसे प्याज बेच रहा हूँ हाँ, okay, तो, राइट आपका क्या इस आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है तो आपका क्या विचार है क्या आप क्या सोचते हैं महंगाई के बारे में जी सर हाँ महंगाई तो सच में बढ़ती जा रही है लेकिन अब देखिए ना प्याज के भाव देख लीजिए बट एट द सेम टाइम अगर देखेंगे तो ये एक राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय समस्या है इन नो हाँ मतलब मूल्य तो बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ेगा ये तो ठीक है आ, मैनेज करना है जी तो अभी आपने सर की राय सुनी अभी हम नेक्स्ट चलेंगे ये अपनी राय बताएंगे तो हमने दो तीन राय ले ली और फिर हमने क्या किया स्टूडियो में हम आए स्टूडियो में हमने साथ में अपना जो हमने इंट्रोडक्शन जो तैयार किया था हाँ। उसके साथ हमने जनता की जो राय है उसको हमने ऐड कर यानी आपने पहले एंकरिंग की एंकरिंग की फिर उसके बाद में महंगाई के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया बताया फिर उसके बाद में हमने साउंड बाइट को ऐड कर दिया जो हमने फील्ड में रिकॉर्ड की थी तो दैट इज वॉक्स पॉपुलर सर अच्छा दैट इज वॉक्स पॉपुलर That nice. is तो दैट इज द वॉइस ऑफ द पीपल बट एट द सेम टाइम वी कैन टॉक टू टीचर्स एंड वी कैन से दैट यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द वॉइस ऑफ द स्टूडेंट स्टूडेंट्स यस है ना जैसे कोई दिव्यांग बच्चा है आजकल mm -hmm. समेकित शिक्षा की हम बहुत बात कर रहे हैं है ना समेकित समावेशी शिक्षा है ना तो क्या बोलते हैं इंक्लूसिव इंक्लूसिव हाँ तो वॉइस ऑफ द स्टूडेंट अगर मान लिया yeah. हमने कर दिया और uh, साथियों आपको ये कहना चाहते हैं ट्राई तो करके देखिए बिल्कुल ऐसे ऐसे विचार आएंगे ना ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि आप एंजॉय कर लेंगे कि सच में यानी बच्चे क्या समझते हैं बच्चों को और आपको बहुत कुछ वहां पर मिल जाएगा अच्छा बच्चे भी बहुत ज्यादा ऑनर्ड फील करेंगे कि उनके विचारों को भी शामिल किया गया आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप है कंटेंट can... पर बात कर सकते हैं हैं टीचर्स कि आपको क्या जानना है या आप इसके अलावा और क्या जानना चाहते हैं किसी भी विषय पर बात कर सकते या हैं या क्या आपको अच्छा नहीं लगता है कुछ और हम क्या कर सकते हैं इस तरह का कुछ भी इस तरह का तो इट डिपेंड्स ऑन यू तो आप ऐसा कर सकते हैं सो दैट इज द वॉइस ऑफ द स्टूडेंट सो अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर और इसको भी एक बार पहले से बता दिए आप एंजॉय करेंगे बिल्कुल। आपको ये अच्छा लगेगा लेकिन आ, बीच में मुझको समय का भान थोड़ा सा इलेवन थर्टी तक है दौड़ना पड़ेगा राइट तो आप लोग बता दें सेशन का टाइम कितने बजे तक है आप थर्टी अच्छा इलेवन थर्टी प्लीज टेक एज मच टाइम एज यू वांट हाँ अच्छा नो प्रॉब्लम है ना अच्छा आज का पूरा दिन हम लोग के नाम ठीक है कोई बात नहीं हम पंद्रह मिनट के अंदर ट्राई करेंगे है ना पंद्रह मिनट के अंदर उसके बाद एक सेशन आया और है टेक मोर टाइम सब कुछ आ रहा है आप पढ़ दें हाँ, 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 हाँ आ, अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं ठीक है ठीक है ओके आ, नहीं चाहे ठीक है वो चाहे तो बनती है लेकिन मतलब पंद्रह मिनट के अंदर हम बहुत इंटरेस्टिंग बातों को लेकर के आएंगे राइट सो वी आर गोइंग नाउ टू टॉक अबाउट हाउ टू राइट फॉर द रेडियो तो इसमें क्या क्या खास बातें हैं इसमें स्पेशली क्या है कि हमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं सर उनको अवॉइड करना चाहिए कि बहुत अच्छा। ज्यादा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल नहीं करने हाई हैं हैं। साउंडिंग वर्डवर्ड और हमें आम बोलचाल की भाषा में जो स्क्रिप्ट लिखनी है वो अपनी आम बोलचाल की भाषा में लिखनी है और बहुत ज्यादा लंबे सेंटेंसेस नहीं इस्तेमाल करने हैं हाँ। अगर आप रेडियो के लिए लिख रहे हैं तो आपको एज शॉर्ट एज पॉसिबल लिखना है और बहुत सिंपल भाषा का इस्तेमाल करना है अगर रेडियो के लिए अगर हम You, करें। हाँ, तो इसी स्लाइड में आते हैं यहाँ पर देखते हैं एक वर्ड है आ, आपका ओनोमोटोपोईक वर्ड्स जी सर वर्ड्स इसको हिंदी में क्या कहेंगे ध्वनि अलंकार तो हाँ, मतलब ध्वन्यात्मक जो शब्द हैं शब्द है। वो हम कहेंगे और एक बड़ा अच्छा यहाँ पर आपका स्लोगन चल रहा है स्क्रिप्ट मस्ट साउंड जी सर हमने तो सुना था आज तक साउंड कहीं और से है द स्क्रिप्ट मस्ट साउंड अगर स्क्रिप्ट साउंड नहीं कर रही है तो वो ऑडियो वो ऑडियो ऑडियो स्क्रिप्ट नहीं है जी सर वी आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग फॉर द रेडियो। ओके तो यहाँ पर एक कंपैरिजन आता है ऑनोमोटोपोइक को थोड़ा सा और ऑनोमोटोपोइक आ... की बात करें तो जैसे कि अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हाँ. तो आपको उसमें अपना साउंड इफेक्ट्स को अकोमोडेट करना है जी हाँ जैसे कि अभी हम कुछ एग्जांपल्स हैं एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि उसमें कैसे आप अपनी स्क्रिप्ट में साउंड को अकोमोडेट कर सकते हैं राइट राइट विदाउट साउंड अकोमोडेशन एक रेडियो स्क्रिप्ट हो ही नहीं सकती है सर हुँ। क्योंकि अगर हम रेडियो के लिए लिख रहे हैं तो हमें वहां पर ध्यान रखना है कि वर्ड्स का इस्तेमाल करना है बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पर इस समय देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको आ, एक आपको कॉलम मिलेगा राइट हैंड साइड में एक कॉलम और है तो जो बाई और है, information information है है।, है है वो सिंपली एक इंफॉर्मेशन लेकिन जो दाहिनी दैट इज द ऑनोमोटोपोइक एक्सप्रेशन यानी हैत्मक अभिव्यक्ति हम कहेंगे हुँ, इसको कि एक ध्वनियात्मक अभिव्यक्ति क्या हो सकती है तो एग्जाम्पल देखते हैं द कप फेल फ्रॉम द टेबल ओके द कप फेल फ्रॉम द टेबल ठीक है मैंने सुन लिया वर्ड्स न्यू लेकिन रेडियो के लिए कैसे लिखेंगे इसको

देख लिया एक कहानी है पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी थी है ना तो ये तो अब प्रोड्यूसर के पास यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं है कि अब जरूरी नहीं उसकी है उसकी चॉइस है प्रोड्यूसर की कि वो चिड़िया की चिपिंग डाले या नहीं डाले हाँ चेपिंग डाले या ना डाले डाले हाँ लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री चप सो स्वीटली हाँ द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री चप सो स्वीटली तो यहाँ पे आपके आवाज पास सुनिए तो यहाँ पे आपके पास प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन है कि वो ऑप्शन ही मस्ट हो, हो जाता है कि वो अकोमोडेट करेगा साउंड बिल्कुल um. बिल्कुल बिल्कुल तो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट कॉलम साउंड कर रहा है साउंड कर रहा और जो लेफ्ट कॉलम थोड़ा सा बुकिश है है ना ये दे रहा है तो राइट कॉलम इज साउंडिंग एंड द लेफ्ट कॉलम इज अ बिट साइलेंट ओके इट्स जस्ट द इन्फॉर्मेशन आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और आपका बस पांच से सात मिनट बिल्कुल हम समय से करेंगे जी हाँ रिवर बाय माय विलेज ये तो भूगोल की भाषा लगती है भूगोल की मेरे गांव के पास से एक नदी बहती है ठीक है लेकिन यदि इसको हम थोड़ा ध्वनियात्मकता से कहें बड़ी खूबसूरती से कहें तो हम क्या कहेंगे इट्स ऑसम टू लिसन टू द एल्यूरिंग साउंड ऑफ द रिवर फ्लोज विलेज बिल्कुल बिल्कुल है ना तो यहाँ पर आपका साउंड आ गया हाँ। और एक लास्ट देख लेते हैं साउंड इफेक्ट ऑफ रिवर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन है जी सर आ, अगले वाले स्लाइड में चलते हैं अगले वाले स्लाइड में चलते हैं ये ये आज का सबसे यहाँ पर देख सकते हैं राइटिंग फॉर रेडियो इज राइटिंग फॉर कान के लिए लिखिए है, है निखा अभी तक तो आंखों के लिए लिखा अभी तक तो जहां भी लिखा लेकिन रेडियो के जब लिखते हैं तो हम कान के कान लिखते कान लिखते लिए लिखते हैं और इसलिए हम लोग ने कहा था द स्क्रिप्ट मस्ट साउंड है ना तो अब हाँ नदी के साथ पानी के बहने की आवाज गुड 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 अः यहाँ पर देखते हैं अब अब आगे देखेंगे बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं अभी और हाँ अगले स्लाइड में चलते हैं यस yes, अब यहाँ पर हम देखते हैं द क्रिएटिव एक्सप्रेशन जी सर इट इज गोइंग टू बी द लास्ट स्लाइड पॉसिबली तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इन्फॉर्मेटिव राइटिंग होती है और एक क्रिएटिव राइटिंग है इन्फॉर्मेशन राइटिंग में क्या है कि इन्फॉर्मेशन है लेकिन आपको क्या है कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्रिएटिव लिखना है क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास बुक्स में भी है सर है तो हमें वैसा लिखना है जैसा कि क्रिएटिव हो और इंटरेस्टिंग हाँ? हो जिससे हाँ. तो कौन uh, no हाँ, तो सी नही बात है कोई भी बोलता है लाइफ बहुत व्यस्त है तो हमारे पास समय नहीं ये तो हम पता नहीं कितनी बार बोलते हैं। जी ये, ये ज्यादा क्रिएटिव नहीं है नहीं है पर इसी को यदि मैं ऐसा बोलूं कि व्हाट इज लाइफ ऑफ केयर खड़े देखने तक का समय नहीं हुँ. है ना वट इज लाइफ केयर हैव नो टाइम इवन टू स्टैंड स्टेयर सो दिस इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन आगे देखते हैं लेकिन ये तो बिल्कुल बड़ा औपचारिक हो गया हुँ. आप मुझको बोलिए थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू थैंक यू बस इतना वो बात खत्म हो गई लेकिन अगर अगर ऐसा बोल दे थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर विजिट मतलब उसका मतलब जब मैं आया तो मेरा आना mm -hmm. ये compliment compliment हो, है ना? पर देखते हैं, जी आगे चलते हैं और आगे का अगर आप देख रहे हैं इट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन फैक्ट फॉरेस्ट वॉज ब्यूटिफुल एंड आई वॉन्टेड टू स्टे बट हैड सम वर्क सो स्टे लेकिन उसको कैसे बोलेंगे Robert Frost ने बोला? Mm -hmm.

आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना है बहुत ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि अगर हम क्या होता है ऑडियो में स्पेशली कि लिसनर्स उसको भूल सकते हैं हाँ। तो इसलिए हमें शॉर्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं और बुकेश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिखना हाँ, क्योंकि किताब की भाषा अलग, अलग होती है किताब की भाषा अलग होती है और किताब में वो ऑलरेडी लिखी हुई है अभी जो हम बात कर रहे हैं ये किताब की भाषा नहीं लिखी है तो आपको मीडिया लैंग्वेज यूज करनी है स्पोकन लैंग्वेज है और आपको क्या करना है कि आपको बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है कि आपको बहुत ज्यादा है वोबुलरी आपको इतनी आती है या आपको इतनी सारी नॉलेज है आ, इतनी शब्दावली हु? मेरे पास है हाँ हु? तो आप एक ही प्रोग्राम में सारी उड़ेल देंगे हाँ? ये बिल्कुल नहीं करना है। कर दो हाँ? एक हाँ, दिखा देते हैं हाँ तो और अपने कार्यक्रम में आपको एनेक्डोट्स जरूरी है जी हाँ, ये बहुत जरूरी एनेक्डोट्स है ना बिल्कुल यानी कहानियों से सिखाइए याद रहेगा बिल्कुल याद रहेगा बचपन में पता नहीं कितना ज्ञान सुना मुझको याद नहीं, लेकिन नहीं। है लेकिन जो कहानियां हैं वो मुझको याद याद है। रहती हैं तो

बंदर को पकड़ने का एक तरीका है जी। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है यहां तो हम जाल फेंक के पकड़ लेते हैं हाँ नहीं दिखाना है बिल्कुल नुँ। सही भाजना नहीं दिखाना है और थोड़ा इसको बिगाड़ भांजना नहीं है ना स्टॉपिंग वुड्स ऑन बाय इवनिंग राइट इट्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट विद्वता नहीं दिखाना आप लोग कमेंट आप लोग लगातार कर सकते हैं लेकिन इस समय ध्यान से देखिएगा लुक एट द स्क्रीन तो कहा का अफ्रिका. अफ्रीका अफ्रीका में बंदर को पकड़ने का एक बड़ा अजीब सा तरीका है वो एक नारियल का खोल लेंगे जी और क्या करते हैं उस नारियल के शेल में वो एक होल कर देते हैं ऊपर हाँ होल कर देते हैं ऊपर हाँ, और वो इतना बड़ा होल होता है कि सिर्फ बंदर का जो हाथ है हाँ। वो अंदर जा पाए अच्छा मतलब वो जो होल है वो जो छेद है वो ही इतना ही होगा कि हाथ शेल में इतना ही हाथ हाथ अंदर जा पाए हाथ अंदर जा पाए जैसे ही वो मुट्ठी बंद करेगा तो वो उसका हाथ बाहर नहीं आ सकता है तो वो क्या करते हैं कोकोनट शेल में ना चने रख देते हैं अच्छा चने रख देते हैं और आपका बंदर ऊपर से देख रहा है बिल्कुल हाँ, है ना कि क्या डाल रहे हैं जी चने डाल हाँ, चने डाल रहे हैं खाने के हो सकता है केला भी हो फिर तो बंदर आता है और उसमें अपना हाथ डालता है हाथ डालता है क्योंकि चना है और वो मुट्ठी बंद कर लेता है मुट्ठी बंद कर लेता है और तब लोग शोर मचाना शुरू करते है ना आ गया आ गया आ गया है ना मतलब बंदर फंस गया बंदर फंस गया है ना बंदर यहाँ वहां देखता है लेकिन क्या करता है अब वो ट्राई कर रहा है ना क्या कर रहे हैं उसको हाथ को बाहर निकाले लेकिन हाथ को बाहर नहीं निकाल पा रहा है क्यों क्योंकि उसकी मुट्ठी बंद है क्योंकि मुट्ठी मुट्ठी बंद बंद है 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 क्यों क्योंकि लालच लालच उसको उसको छोड़ूंगा नहीं है ना चाहे जान चली जाए है ना अब ये लालच है जी है ना ये लालच है तो अब इसी लालच में क्या होता है लास्ट में वो पकड़ा जाता है अगर बचने के लिए खाली क्या करना था उसको अपनी मुट्ठी खोल देनी थी। बस खाली मुट्ठी खोल देनी थी बहुत बार मुट्ठी खोलते नहीं है ना बहुत कुछ ग्रैब कर रखा है ईगो है बहुत सारी बातें है ना ग्रैब कर रखा है मुट्ठी नहीं खोलते तो

आ, एक सवाल आता है कि अच्छा कैसे बोले अच्छा और अच्छा लेक्चर कैसे दें तो एक गोल्डन आपको आ, ये आपको फॉर्मूला हम देना चाहते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीक्रेट ऑफ अ गुड ऑडिटरी सीक्रेट ऑफ गुड टॉकिंग है ना इज पीपीटी जी सर तो पीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग टाइप कर सकते हैं हाँ हाँ कोई टाइप ही नहीं करता है पीपीटी पीपीटी मैं धन मार लिया सर जी बोथ ऑफ यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बस 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 हां बस बस यही सुनना था और हम जानते थे यही यही रिस्पांस आएगा लेकिन एक नई थ्योरी के साथ हम समाप्त करेंगे रोक दीजिए कोई बात नहीं आ, इसके बाद लेकिन पीपीटी एक अच्छी थ्योरी है जी पीपीटी <laughs> की जो अच्छी थ्योरी वो क्या है अगर आप इसको जानते हैं ना सर अगर आप इसको जानते हैं मैडम तो ये आपको खाली टीचिंग में नहीं जीवन के हर एरिया में ये काम आता है जी बिल्कुल ये बहुत काम आता है तो क्या है गोल्डन फार्मूला पीपीटी पीपीटी आगे चलते हैं पीपीटी का मतलब क्या होता है पी फॉर पिच जी सर पिच से क्या समझेंगे पिच का है कि जो आपका स्पीकिंग लेवल है हुँ। हुँ? कि हाई है लो है मॉडरेट है हाँ, तो आपको ना अपना जो वॉइस का जो पिच है हाँ, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे थे तो हमारा पिच मतलब एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा सा बढ़ा लेकिन बहुत ज्यादा हमने हाई पिच पे बात नहीं की हाँ, जैसे कुछ लोग हाँ, का है बहुत हाई पिच में बोलते हैं बिल्कुल इरिटेटिंग है ना और एक होता है कि बहुत ज्यादा जैसे कि इंटरेस्ट ना हो किसी चीज में तो हम क्या करते हैं बहुत लोअर पिच में बात करते हाँ ठीक है चली जाते हैं बात करते हैं कर लेंगे तो आपको क्या करना है मॉडरेट रखना है ये

हाँ कि पता नहीं कि जल्दी जल्दी बोल के बोलते फिनिश करना नहीं जब कुछ लोगों से, से डरते हैं तो जल्दी जल्दी बोल के खत्म करके हम समाप्त कर लेते हैं नो। कभी, कभी हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं कि हम लग, कर लग, कर हाँ, हाँ, हा, हमारे शब्द इतने जल्दी जल्दी निकलते हैं कि ना हमें समझ में आते हैं ना सामने वाले को समझ में आता है कि बोल बोल है क्या क्या बस पकड़नी की तो हमें अपने पेस को भी उतना ही मेंटेन रखना है जितनी हमें पिच को मेंटेन जब पढ़ाते हैं जब घर में बोलते हैं जब अपने लोगों से बातचीत करते हैं ये तीन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जी हाँ हाँ और नेक्स्ट हम बात करेंगे टोन की टोन हाँ अब आपकी टोन कैसी है हुँ. कि आप शाउट कर रहे हैं या बहुत फोर्सफुली बोल रहे हैं हुँ. आप कैसे जेंटल बात कर रहे हैं बिल्कुल तो ये आ, ये तीन मेन फैक्टर्स हैं हुँ. किसी भी प्रेजेंटेशन को किसी भी अपने सेशन को किसी भी अपने लेक्चर को इम्प्रेसिव बनाने के राइट right. तो जैसे बहुत बार क्या बोलते हैं कि हुँ. समाप्त कर रहे हैं अब बहुत बार क्या बोलते हैं कि विमलेश आपने बोला बहुत अच्छा लेकिन टोन हाँ ये होता है बहुत बार होता हाँ, है कि जो टोन थी ना टोन थी आप बड़ा डिप्लोमेटिकली बोल रहे हो है हाँ, है ना हाँ, लेकिन जो टोन उसे मुझको समझ में आता है हाँ, तो टोन टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस टोन में बोल रहे हैं आपकी वाणी आपका भेद खोल देती है ना होता ही है तो अगर अच्छा बोलना है अगर सब कुछ करना है तो अगर ये तीन जो गोल्डन प्रिंसिपल है अब जैसे कुछ लोग का बिल्कुल हाई आई 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 है बिल्कुल आपका हाई पिच में चल रहा है लगता है कान बंद कर रहे हैं सवेरे सवेरे कोई बोले बहुत ऊंची पिच में तो बड़ा मुश्किल है मुश्किल है ना तो दीज थ्री फार्मूलाज आर द गोल्डन दे आर द गोल्डन फार्मूलाज और इससे क्या होता है अगर आपने इसको फॉलो किया तो बहुत मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा आप लोग कर सकते हैं हम लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर हमने इसको फॉलो किया तो हमने भी फॉलो करने की कोशिश की है तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और तो आइए अब आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है तो श्रोताओं इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का के समापन का अब समय आ गया है तो क्योंकि समय आज्ञा नहीं दे रहा है तो आपसे आज्ञा तो लेनी पड़ेगी तो आपसे भी आज्ञा लेते हैं तो... तो विमलेश को और अजीत को आज्ञा दीजिए नमस्कार और हमारे साथ में हमारे सहयोगी हमारे सहयोगी आपका विकास है तो हम तीनों के साथ Uh, हम तीनों इस समय आपसे विदा चाहते हैं अगले सेशन में मुलाकात होगी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच